शहर का वातावरण बहुत ठंडा है, कहीं कहीं पे बारिश भी हो सकती है। मुंबई में तेज हवा चल रही है, कहीं कहीं पे तेज वर्षा भी चल रही है। ओके ओके प्लीज प्लीज कूल डाउन। इंटरनेट और फेसबुक को रखना है या नहीं, उस पर बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। इसके पक्ष और विपक्ष में बहस चल रही है। अब इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद डिस्कशन जारी रहेगा, सो प्लीज वॉच एसएस न्यूज। सपना, 3 मिनट का ही ब्रेक है, गेट रेडी। ओके सो रमेश, इस ब्रेकिंग न्यूज को तैयार करो। ओके। मेरे बहुत सारे बिजनेस एम्पायर हैं और उनमें से एक है ये न्यूज चैनल। मेरे सारे बिजनेस आज टॉप पोजीशन पर हैं, लेकिन मुझे मजा आता है इस न्यूज चैनल को चलाने में। इस राज्य में पहला 24 आवर्स न्यूज चैनल हमने ही शुरू किया था, लेकिन आजकल हमारे चैनल की पोजीशन। सर, वी आर डूइंग अवर लेवल बेस्ट सर। मैं रिजल्ट चाहता हूँ। टारगेट पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, पब्लिक में आजकल उनका ही क्रेज है। वो जो कहते हैं पब्लिक मान लेती है। अगर भरोसा ना हो तो एक ही न्यूज को 10 बार दिखाओ। फॉलो गूगल्स थ्योरी, एक झूठ को 100 बार दिखाने से वो सच लगने लगता है। आज इस दुनिया में सिर्फ 2 ही चीजें बिकती हैं, क्राइम एंड सेक्स। पकड़िए, लेके आइए, चैनल का टीआरपी बढ़ाइए। इफ देयर इज नो न्यूज, क्रिएट न्यूज। What? Shit! अगले 5 मिनट में आप लोग एक लाइव मर्डर देखने जा रहे हैं। What the hell is happening? Who is doing this? Hello? Hello? SS channel? Yeah. Hello? Hello? We're working on that. रमेश, क्या है ये? What's happening here? Sir, I don't know about this. Stop this immediately. मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा। करो। अगर आप परमिशन दे तो थोड़ी देर में कॉल करो। जल्दी जाके कुछ करो। कुछ कहिए ना सर, कुछ कहिए ना सर। आप क्या सोच रहे हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? करके ट्रेस आउट करो। सर बोलिए ना सर, अगर ये प्रोग्राम टेलीकास्ट हो गया तो हम बहुत मुसीबत में जाएंगे। लेट इट गो। हेलो राजेश, SSTV चैनल देख, उसमें लाइव मर्डर दिखा रहे हैं। लाइव मर्डर? अगले 5 मिनट में तुम लाइव मर्डर देखने जा रहे हो। जज के रूप में मैंने कितने मर्डर केसेस का फैसला किया है, लेकिन लाइव मर्डर मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। इस बिजली को भी अभी जाना था, काम वाला भी कहाँ मर गया। हेलो मिस्टर, कंप्यूटर रिपेयर करने आया हो ना? देखो बिजली चले गई, क्या तुम कुछ कर सकते हो? बिजली कड़की और साथ में पावर आ गया, तो बड़ा कमाल का आदमी है। बिजली कड़कने के बाद पावर का आना जाना कॉमन है ना सर। कंप्यूटर ठीक हो गया या अभी भी वैसा ही है? आपके सिस्टम से मैंने SSTV को हैक किया है, हैक हो चुका है। हाँ? मतलब ये ब्रेकिंग न्यूज, लाइव मर्डर,
ये सब तुम ही कर रहे हो ना? और फिर वो मर्डर? मरने वाला तू ही तो है। सिटी पुलिस कमिश्नर, ही वांट टू टॉक इमीडिएटली। बनकर रह गया है। इस मर्डर के कारण सिटी का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बिगड़ गया है। ये मर्डर केस सरकार ने सीबीआई के हाथ में दे दिया है। सर, कंप्यूटर रिपेयर करने के लिए जज के घर में एक आदमी आया था, गलत एड्रेस से एंट्री की। क्योंकि कल बारिश हुई थी इसलिए सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसका फेस ठीक से कैप्चर नहीं हुआ। सर, जज साहब ने मुझे फोन करके टीवी में लाइव मर्डर दिखा रहे हैं देखने को कहा था, लेकिन उन्हीं की मौत हो जाएगी ये सोचा नहीं था। सिक्योरिटी को भी मैंने ही अलर्ट किया था। जज साहब के सिस्टम से एसएसटीवी को हैक किया था, लेकिन क्राइम जहां हुआ वहां कोई सबूत नहीं मिला।
हमने पकड़ने की बहुत कोशिश की सर, जिस तेजी से वो आया था उसी तेजी से वो भाग गया। द किलर इज स्टेल्दी, स्विफ्ट एंड इंटेलिजेंट। आई विल नेम द केस एंड द किलर एज JAGUAR। जैगुआर। शांति ग्रुप ऑफ मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स, इंडिया में ही बेस्ट इक्विपमेंट एंड बेस्ट फैसिलिटीज हमारे ही हॉस्पिटल में अवेलेबल है। हर साल टॉप के डॉक्टर्स और टॉप के सर्जन हमारे ही हॉस्पिटल से निकलते हैं। और अब हमने डिसाइड किया है कि शांति ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल रशियन मेडिकल अकेडमी के साथ टाई अप करके एक कदम और आगे बढ़ेगा। ऑन द सेम ओकेजन आई वुड लाइक टू अनाउंस वन मोर थिंग। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कॉलेज the students have selected their own leader. It's none other than final year student Mr. Arya. Thank you sir. Welcome. All the best. Thank you sir. So what are the plan for this year? College mein discipline ka na hona I think one of the main reasons is ragging. इस रैगिंग को बंद करना और स्टूडेंट्स के बीच में एकता पैदा करना, उसके लिए मैंने कुछ स्टूडेंट्स को साथ लेके एक एंटी रैगिंग स्क्वाड तैयार किया है। कल जो जूनियर्स आने वाले हैं उनको भी मैं फ्रेंडली वेलकम करने की सोच रहा हूँ। गुड। फर्स्ट नाइट को डेकोरेट करना बहुत मजा आता है, लेकिन कॉलेज के पहले दिन डेकोरेट करना बहुत मुश्किल जी। इसका समय अच्छा है, हमेशा फायदा उठाता है। आ, आ। हे, ये क्या डिलीवरी वार्ड में थके हुए डॉक्टर की तरह सब नजर आ रहे हो? है, अरे हमारी बात छोड़ो जी, अरे हम सब यहाँ पे कितनी मेहनत कर रहे हैं और तू क्या हिलाते हुए आ रहा है? हे, चेतन चेतन, तुझे तो पता ही है ना यार, बॉडी को फिट रखने के लिए जिम और ब्रेन को फिट रखने के लिए योगा, और तुम जैसे गंदे लोगों के साथ घूमता हूँ ना इसलिए स्टीम बात। सुनो, सारे अरेंजमेंट रेडी है? हाँ जीजू, रेडी जीजू। जीजू बोलता है। वेलकम करने के लिए बोर्ड लगे हैं और सबको समझाने के लिए साइन बोर्ड्स और नोटिस बोर्ड्स और सबको देने के लिए फ्लावर्स कल रात को ही लाकर लॉक करके मैंने ही रखे हैं जीजू। क्या बोलता जी? थैंक यू माई ड्यूटी। अरे ये क्या जी, हम सब आर्या आर्या कह के बुलाते हैं और तू जीजू जीजू कर रहा है? ओ, फर्स्ट ईयर में आर्या की बहन है इसलिए क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, जीजू के पास ब्रेन है, मेरे पास बॉडी है, हम दोनों मिल जाए ना पूरा कॉलेज हमारे हाथों में होगा, समझे? आपको क्यों नेवज लगता है जी? हमको लगता है तेरी बॉडी को बेंड करके, जीजू के ब्रेन को फ्राई करके, ऐसे दोनों को टक्कर देने के लिए एक आएगा खिलाड़ी। Thank you, sir. Hi, what's your name? Sandhya, sir. Your parents? Father, lawyer. Mother, teacher. What's your name? Shanti ji. Hi, what's your name? SS Krishna, sir. Parents? I'm an orphan, sir. अनाथ आश्रम में पढ़ के बड़ा हुआ हूँ। Don't worry, ये कॉलेज भी फैमिली जैसा है। Welcome. थैंक यू सर। भैया सुना यहाँ पे रैगिंग बहुत होती है? नो, इस साल से हमने हमारे कॉलेज में रैगिंग बैन कर दिया है। ये क्या भैया, जब मैं इंटर का एग्जाम दे रहा था और एमसेट का एग्जाम दे रहा था तो हर रोज कॉलेज में रैगिंग होगी ये सोचकर एमसेट में अच्छे से पास होकर इतने बड़े कॉलेज में ज्वाइन हुआ तो आपने सिंपली कह दिया कि यहाँ पर रैगिंग ही नहीं होती। ये क्या बोल रहा है यार? रैगिंग करो ना, प्लीज 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 भैया आप रैगिंग करो ना। अरे आप तो रैगिंग करो, आप तो रैगिंग करो भैया, कम से कम आप तो रैगिंग कर दो ना। जीजू मैं हैंडल करता हूँ ना, ऐसे हार्श बंदों के लिए मेरे जैसा हार्ड बंदा ही होना चाहिए। तुम चलो। हे चल ना। ए क्या रैगिंग बक रहा था, असल में क्यों चाहिए रैगिंग तेरे को? रैगिंग किस लिए? मंत्र जब पढ़ते हैं तो पूजा करने का टैलेंट होना, ऑपरेशन करते हैं तो डॉक्टर का टैलेंट होना, लेकिन जब आप रैगिंग करते हैं तभी तो हमारा टैलेंट बाहर आता है ना। समझ में नहीं आया? जब भी मैं साइकिल चलाता हूँ तो मेरे अंदर इमेजिनेशन शुरू हो जाता है, बाइक पर जब अकेला आता हूँ तो चारों तरफ लड़कियों को देखने का मन करता है, उसके बाद उनमें से एकाध लड़की को फूल देकर प्रपोज करने का मन करता है, बाथरूम की दीवारों पर उल्टी सीधी शायरी लिखना ये भी तो एक टैलेंट है, और डिस्को पॉप म्यूजिक रैप इन सब में भी तो आनंद ही आनंद है। इतना सब होते हुए रैगिंग नहीं होगी तो कैसे चलेगा भैया? जब सीनियर जूनियर्स की रैगिंग करेंगे तो वो जूनियर्स जब सीनियर बनेंगे तो वो अपने जूनियर्स की रैगिंग करेंगे ही ना। जानते हो सीनियर जूनियर्स की रैगिंग के बारे में एक महान नेता ने क्या कहा है? सुनो,
The relationship between senior and junior should be like a scotch and soda, not like scotch and butterscotch. Butterscotch. एक मिनट भैया, ओए, यहाँ कौन कौन रैगिंग चाहता है? रैगिंग होगा सोचकर मैं गंगनम डांस सीख कर आया था, रैगिंग नहीं होगा भैया। और इधर रैगिंग में रैम्पो की ड्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? ये कौन है रे? इतने लोग जब टैलेंट दिखाने के लिए तैयार हैं तो आप भला मना क्यों कर रहे हो? अरे इतना टैलेंटेड कौन रो सकता जी ब्रो। जिंदगी खुशियों का खजाना पी पे यही जिंदगी रेस है तो तेजी से चलो है पाओ तुझे जो चाहिए यह जिंदगी है तेरी टीनेज में तू जीत ले अट्रैक्शन फ्रस्ट्रेशन तू हो जा रे सेंसेशन करके रे तू रेवोल्यूशन स्टार बनो तुम स्टार बनो रहेगा नेशन पाले सबका अफेक्शन ऐसा करो तुम नाम बना लो इस जहां में किड्स इट गोरी यह जिंदगी खुशियों का खजाना भी वैसे यही किड्स इट गोरी जिंदगी रेस है तो तेजी से चलो एक सुंदर बॉयफ्रेंड है कृष्णा और वो तुम्हें सच में बहुत चाहता है। अरे भैया उधर देखो जी मेरे हाथ में देखो ना कृष्णा अमूल बेबी जैसे तुम्हारे आगे पीछे हम रहते हैं और अजय देवगन की तरह उसके चारों तरफ लड़कियां देखो। अरे क्यों से पंगे ले रहा है जीजू ना तुम रुको ना जीजू इसको ऐसे ही छोड़ दिए तो कॉलेज को मैटरनिटी वार्ड बना देगा। हां जी मैं हैंडल करता हूं ना। हां ए कृष्णा मुझे बुलाया ब्रदर तुझे ही बुला रहा हूं इधर आना। गर्ल्स हम फिर मिलेंगे बाय। क्या यार लड़कियों के हाथ पकड़ रहा था? नहीं सीनियर बस सिर्फ हाथ देख के भविष्य बता रहा था। ओ, तू वो भी जानता है क्या? पाम रीडिंग बता रहा और कहता है कि जो वो बोलता है सच जो कहता हूँ वही होता है। अगर तुम चाहो तो मैं आर्या का हाथ देकर बता दूंगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। भैया हाथ दिखाओ ना भैया मुझे भैया सुनो तो जो कुछ बताना है मुझे बता।
तुम्हारे लिए हाथ देखने की जरूरत नहीं है, फेस देख के बता सकता हूँ कि आने वाले 10 सेकंड में तुम्हारा थोबड़ा बिगड़ने वाला है। कैसे? ऐसे। तेरी तो मैं। भैया 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 हाथ दिखाओ ना भैया, एक मिनट रुको तो भैया। वाह वाह क्या हाथ है भैया। क्या होने वाला है? होने वाला है छोड़ो, सब कुछ हो चुका है। ये जो दो रेखाएं दिख रही है ना, उसमें से एक रेखा कह रही है कि तुम बहुत बड़े लीडर बनोगे। हमारा दोस्त तो ऑलरेडी लीडर है। हाँ? लीडर मतलब कॉलेज या कैंपस का लीडर नहीं, पूरे स्टेट में बड़ा लीडर बनने वाला है। लेकिन ये दूसरी वाली रेखा में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इस रेखा के हिसाब से तुम्हारी एक छोटी सी बहना है, और वो बहना एक वेस टपोरी और फालतू बंदे के साथ शीघ्र ही प्यार का नाटक शुरू करेगी। राजा तुम्हें क्या? वो इससे भी बड़ा होगा। वो कौन बे? वैसे इस कॉलेज में वेस टपोरी और फालतू बंदा मेरे सिवा और कौन हो सकता है? पकड़ो उसे। अरे भाग ले ना भाई। कल ही मैंने तुम्हारी बहन को देखा भैया। सो, अंधे लोग अपनी जिंदगी का क्या अनुभव करते हैं, हम भी उन्हीं की तरह 30 मिनट के लिए अनुभव करके देखेंगे इसे बांध कर। अरे बाप रे, 30 मिनट आंख में पट्टी बांध ली तो 10 मिनट में कोई कुछ भी कर सकता है। उसके बाद किसने किया हमें पता थोड़ी ना चलेगा। प्लीज। अब समझ लो तुम्हारी बहन मुझसे ही प्यार करेगी। ओए, तेरी तो मैं। ओ सॉरी, आज से मैं तुम्हें भैया नहीं बल्कि साले जी कह के बुलाऊंगा। छोड़ूंगा नहीं। बाय साले जी। बे क्या बक्के क्या बे? ए, वो तो पागल है, उसके कहने से हो जाएगा क्या? मेरी बहन अच्छी तरह जानती है किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। क्या कहा, मेरे भाई को बताया? हाँ यार, मैं तो कहूंगी तुम आज से थोड़ा केयरफुल रहा करो। भला मैं क्यों केयरफुल रहूं? उसी को रहना होगा। वही तो है, उसने तेरे भाई से कहा कि तुझे लव करूंगा। उसने कहा कि मैं प्रिया से लव करके दिखाऊंगा और तुम लोग डर गए। उसकी वॉक तो देख और स्टाइल तो देख और अब स्माइल देख। उससे पहले देख उसके हाथ में पिज्जा का बॉक्स है। I love you. पहले मुझे खाने दे। ओके ओके, लव यू। वाओ, थैंक्स डार्लिंग। मैंने जितना सोचा था उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो तुम। थोड़ी मोटी हो लेकिन प्यार में मजा आएगा, मुझे तो पसंद आ गई। हेलो हेलो, तुम खाओ ना जानो। ओके ओके, अपने प्यार के खातिर तेरे भाई के साथ मैं वॉर के लिए भी रेडी हूँ। हेलो हेलो, तुम बिल्कुल घबराओ मत। मैं तुम्हें बर्गर भी लाके दूंगा। हा? और तुम खाते हुए, मैं तुम्हारा चेहरा देखते हुए, हम दोनों गहरे प्यार में डूब जाएंगे। इधर आओ। बर्गर में एक्स्ट्रा चीज चाहिए। ओके, तुम एक्स्ट्रा लार्ज हो ना, इसलिए तुम्हें हर चीज एक्स्ट्रा लार्ज ही पसंद है। हेलो हेलो, बाय। हेलो, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। इसके हाथ में पिज्जा देकर मेरे बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें क्या लगा मैं इतना भी नहीं समझूंगी? तुम्हारी एंट्री से ही मैं समझ गई कि तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो। वैसे तुम हो कौन? एसएस कृष्णा, ऑर्फिन मैडम, ऑर्फिन हूँ। इधर उधर से डोनेशन जमा करके, रात दिन मेहनत से पढ़ाई करके, करंट हो तो हॉस्टल में, नहीं तो स्ट्रीट लाइट के नीचे, बहुत मेहनत करके फर्स्ट रैंक लाकर, इस कॉलेज में सीट हासिल करके, स्टाइफंड जमा करके, पिज्जा हट में क्यू लगाकर, एक पिज्जा खरीद कर, इस मोटी को देकर जब उसे लाइन पे लाया तो तुम जेलस फील करके मुझसे प्यार करोगी ऐसा सोचा था। लेकिन तुमने पता लगा लिया, सब सच सच पता लगाया। तुम सब क्यों रो रहे हो? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। कितना दुखी है बेचारा प्रिया, तुम्हें उसको सॉरी बोलना चाहिए। मैं उसे सॉरी बोलूं क्या? तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। यस।
इतनी मेहनत करके बॉडी बना के फल खाने का वक्त आया तो चलो देखते हैं। ए फर्स्ट नाइट के लिए दरवाजा खटखटा रहेगा, तोड़ दे। मैं हे लाइट ऑन करो। ए, पिघलो मत यार, हम दारू पीने नहीं आए, हम इसको मारने आए हैं। अभी चार राउंड लेंगे तो चार थप्पड़ मार पाएंगे, वैसे भी चार साल यही रहने वाला है, इतनी जल्दी छोड़ेंगे क्या उसको? आओ मत दो यार, क्या बचो बचो, क्या कर रहे हो तुम लोग यार, जल्दी चलो, चुप चुप यार, तुम बैठो ना यार। अरे ओ मत पियो मत पियो मत पीना यार, अबे इसने इसमें भी कुछ ना कुछ मिला दिया होगा यार। जी शराब नकली हो सकती है लेकिन ये दो जो पार्टी दे रहा है ना वो तो असली। जी तुम भी पियो ना जी। हां भाई लोग, तुम लोग पियो आराम से, एकदम आराम से, आराम से। ये लो ये लो, तुम भी लो। सीनियर अरे पिया जी पिया, तुम तो सीनियर हो, पीना पड़ेगा, पिया पिया पिया, फोड़ दिया। क्या है ये सब? साले जी आओ ना, आप ही एक पैक लगाओ। What the hell is happening here? सर इस टाइम कौन वॉचमैन आ गया क्या? सर गुड मॉर्निंग जी, कंबाइंड स्टडी जी। कंबाइंड स्टडीज फोर्थ ईयर फर्स्ट ईयर। सर एक्चुअली कृष्णा ने हमें पार्टी में बुलाया था। शट अप कृष्णा। सर सर किस लिए फोन किया? ये सब क्या हो रहा है? रैगिंग सर, रैगिंग। रैगिंग कॉलेज में तो बैन कर दिया लेकिन हॉस्टल में तो चल रही है सर। जस्ट आपके आने से पहले सर, इफ यू डोंट माइंड, भाई तुम थोड़ा सा पीछे हो जाओ ना। देखिए सर देखिए, टन 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 टन। करेक्ट है ना? हाँ करेक्ट। देखिए ना सर, मान गया वो, इन्होंने डांस भी करवाया सर। हम क्या जी? और इतना ही नहीं सर, एक अनाथ लड़के के लिए इनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर भी नहीं है सर। जरा देखिए उसका लिए के हाथ में अपने लिए स्पेशल ड्रिंक मंगवाई थी सर उसने। टोटल बिल करीब 10,000 हुआ सर। 10,000 क्या? शट अप, व्हाट इज दिस आरिया? मैंने सोचा तुम्हारे फ्रेंड बहुत डिसेंट होंगे। नो, इट्स डिस्गस्टिंग एंड वेरी बैड ऑन योर पार्ट। इसके पैसे इसे लौटा दो। सर ये दे दो क्या जी? हाँ ओके सर। ये तो डुप्लीकेट है सर, वो भी OLX से सेकंड हैंड मंगवाया है सर। सर कैश दिलवा देंगे तो बेहतर होगा। ये लो दे दो सर। सब अपने कमरे में जाओ जाओ। दो तीन चार पांच छह सात आठ। सर सर काला मंकी सर, मुझे बहुत डर लग रहा है सर, प्लीज इसको जाने के लिए कहिए ना। जाता सर। वेलकम टू ऑल द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज तुम जो क्लास अटेंड कर रहे हो वो ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में है। ये मेडिकल साइंस में बहुत ही मुख्य सब्जेक्ट है। आज ये क्लास फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आर्या लेगा। ओके सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। सो टुडे आई विल टीच यू कार्डियक एनाटॉमी एंड आई विल शो यू हाउ टू डाइसेक्ट द ह्यूमन हार्ट, व्हिच इज द टफेस्ट ह्यूमन बॉडी पार्ट टू डाइसेक्ट। अब क्या हुआ? उधर देखो कृष्णा को, बेचारे कितने डल है। सॉरी बोलो जल्दी। इतना सब कुछ करके अब सॉरी की उम्मीद कर रहे हैं मुझसे? मजा चखाती हूँ इसे। ठीक है सॉरी बोल देना इसे। हाँ बुलाओ, मैं बोल देती हूँ। ए कृष्णा कृष्णा कृष्णा। प्रिया सॉरी बोलेगी, आ जाओ आ जाओ। कहूंगी सॉरी कहूंगी, लेकिन तुम्हारी उस नौटंकी के लिए नहीं। इतना सब कुछ करने के बाद मैंने तुम्हें नहीं मारा ना उसके लिए। ओ। मेरे भाई को वायलेंस से नफरत है। फ्यूचर में अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो उनके सामने तुम्हें मार नहीं पाऊंगी ना, इसलिए एडवांस में सॉरी बोल देती हूँ। हैप्पी? इसी खुशी में तुमको भी तो मैं सॉरी बोल देता हूँ। जब ब्लाइंड डे हुआ था तो तुम्हारे पास आकर किस मिस किया था उसके लिए सॉरी। फ्यूचर में तुम्हारे नॉन वायलेंस भाई को जर्क देने वाला हूँ और बहुत टॉर्चर भी करने वाला हूँ, उसके लिए एडवांस में एक और सॉरी। यू आर सो सुपरमैन? नो। स्पाइडरमैन? नो। बैटमैन? कृष्णा यू थ्री इधर आओ। कम ऑन लेडीज। हाय साले जी। स्टॉप कॉलिंग मी जस्ट। ओ हाँ ठीक है। कैन यू टेल मी द कॉज ऑफ डेथ ऑफ दिस सब्जेक्ट? एक हार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक आदमी का हार्ट निकल के मर्डर करने को कह रहे हो डॉक्टर? ये ओवर एक्टिंग बंद करो, ये ऑलरेडी एक डेड बॉडी है। डेड बॉडी कैन नॉट टॉक साली जी। ही डाइड फ्रॉम अ कार्डियक अरेस्ट। जानते हो उसका मतलब?
हार्ट अटैक यार। जब तुमने इतना भी पता नहीं तो तुमने एंट्रेंस एग्जाम कैसे पास किया? ऑल थैंक्स टू षणमुख शर्मा। वो कौन है? एग्जाम में मेरे आगे बैठा था और बहुत इंटेलिजेंट था, उसके कॉन्ट्रीब्यूशन से ही मैं कॉपी करके पास हुआ हूँ। व्हाट? यस, यूज फेथफुली एसएस कृष्णा एमबीबीएस एफआरसीएस लंदन। शेमलेस फेलोज। सर, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर से नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर करके और वहाँ से अकाउंट्स पासवर्ड लेके मे भी डिकोड किया होगा सर। आईपी एड्रेस? सर, आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस आपके सिवा और कौन जान सकता है? सर, समटाइम्स अगर सिस्टम में प्रॉब्लम हो या सर्वर डाउन हो तब बाहर से टेक्नीशियंस आते हैं उसे ठीक करने के लिए, और वही लोग बाहर जाके आउटसोर्स करते हैं। सैटेलाइट डी लिंक करके दोबारा टेलीकास्ट करने में कितना समय लगता है? सर, 10 to 15 minutes। टू मिनट्स। जब तुम्हारे चैनल पर लाइव मर्डर टेलीकास्ट हो रहा था तब तुमने 2 मिनट में सैटेलाइट डीलिंग क्यों नहीं किया? मुझे उसकी पूरी डिटेल्स चाहिए। सर, ये बॉस का केबिन है, कोई अंदर नहीं जा सकता। ऐसा क्या? कम जी। या नो नो सर, ये क्या सर, परमिशन के बिना आप अंदर आ गए? अब बोलिए। You know what problem we are facing because of this issue? और उसको सॉल्व किए बिना आप यहाँ आके हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं? तुम्हारी प्रॉब्लम और मेरी ड्यूटी दोनों मुझे पता है। तुम्हारे चैनल को हैक करके किसी ने सेंसेशनल न्यूज दिखाई और तुम लोगों में इतनी सेंस नहीं है कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उसे लाइव टेलीकास्ट दिखाया। अरे, तुम में इतनी भी समझ नहीं कि उसे नहीं दिखाना चाहिए? बिल्कुल है हमें, जो हो रहा है उसे पब्लिक को लाइव में दिखाना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे क्या खाक है रिस्पॉन्सिबिलिटी? जब रेप रॉबरी और मर्डर होता है तो उसे दिखाने के लिए फिल्म वालों की बराबरी करके री रिकॉर्डिंग करके एडिटिंग करके ये न्यूज शाम को 6 बजे आएगी, इसका कई बार प्रोमो दिखाते हो। अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में जनता को क्या दिखा रहे हो ये तुम्हें समझ में नहीं आता? देर आर नो मोर न्यूज चैनल्स इन इंडिया, ओनली एंटरटेनमेंट चैनल्स। इस लाइव इशू को आधार बना के मैं कोर्ट से ऑर्डर लाकर तुम्हारे चैनल को बंद करा सकता हूँ। बंद करा दे। बंद करा दे। ये मेरा ऑफिस है, यहां सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देनी चाहिए। कुछ कोर्ट ऑर्डर की बात कर रहा था ना, लेके आके बंद कराने का दम है तुझ में? तू जिस पोजीशन में है तेरे पास पावर हो सकती है, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा पॉलिटिशियंस की पावर मेरे पीछे है। स्टेट से लेकर सेंट्रल तक जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, उन्हें अपनी पोजीशन सेफ करने के लिए मुझसे मदद लेनी पड़ती। बकवास लोगों को भी भगवान का रूप देकर उन्हें बढ़ाने का काम हमारी न्यूज चैनल करती है। अगर तुझमें दम है तो जिसने हैक किया है उसे जाकर पकड़, नहीं तो सीबीआई एंड हिज पावर्स 1 घंटे का एक्सक्लूसिव प्रोग्राम तैयार करवाता हूं, आप वहां आकर बोलिए। मेरी परमिशन के बिना किसी को 1 सेकंड की भी फुटेज मत देना। आउट। श्योर। सीबीआई भाई, तुम ठीक ही कह रहे थे, जनता को एंटरटेनमेंट ही चाहिए, न्यूज बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं तो इतने चैनल्स क्यों हो जाते हैं? उसके लिए तो न्यूज़पेपर ही काफी है। यू हैव अ लॉजिक ऑलवेज। सेल्फी प्लीज। अब हमारी चैनल की टीआरपी कैसी है? जब से लाइव मर्डर टेलीकास्ट हुआ है टॉप पोजीशन पे। गुड। एक काम करो, हमारे चैनल को खुद ही हैक कीजिए। ब्रेकिंग न्यूज, नेक्स्ट लाइव मर्डर, बहुत जल्दी ऐसा एक कैप्शन दीजिए, जनता टीवी से चिपक कर बैठ जाएगी। अभी पीछे जो इंक्वायरी करने आया था उसके पास जाकर हमारे चैनल को फिर से किसी ने हैक कर लिया है ऐसी कंप्लेंट लिखवाइए। सर, ऐसा करना हमारे लिए गलत होगा ना सर, जर्नलिज्म में कुछ एथिक्स पॉलिसीज होते हैं ना सर। मेरी तो सिर्फ एक ही पॉलिसी है, मैं एक सीढ़ी चढ़ने के लिए 10 आदमियों को मोहरा बनाकर 100 आदमियों को रौंदने के लिए तैयार रहता हूँ। फ्रेंड्स, आज है फ्लावर्स डे, सो आप लोग अपनी पसंद के फ्लावर्स के साथ सेल्फी लीजिए और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ये फ्लावर्स डे सेलिब्रेट कीजिए। अरे प्रिया, तुम्हारा मनपसंद फ्लावर कौन सा है? स्वयं सौगंधिकम पुष्पम। सौगंधिकम फूल है क्या? फूल नहीं, पुष्पम। वो कहाँ मिलता होगा? वो यहाँ कहीं नहीं मिलते, हिमालय में मिलते हैं। 6 पत्तियों से बना हुआ जो स्वयं खिलता है। हे, ये कैसे आ गया? यही है वो, मुझे जो पसंद है, स्वयं खिलने वाला पुष्पम। हाँ? हाँ?
सामने वालों को क्या पसंद है ये जानना कोई बड़ी बात नहीं होती। ए, क्या हुआ? तुम तो फिसलती जा रही हो। तुम पर तो मुझसे ज्यादा तुम्हारा भाई बहुत होप लगाकर बैठा हुआ है। इतनी जल्दी मत फंसो, कुछ और दिन ट्राई करने दो। ए, तुम ही समझाओ ना इसे। जी, प्लास्टिक फूल में परफ्यूम डाल के तुम्हें इंप्रेस कर रहा था। ये डुप्लीकेट है भाई। कृष्णा। ए, प्रिया, ये फूल तो डुप्लीकेट है लेकिन मेरा लव डुप्लीकेट नहीं है। देखना है बस आ, ठंडी ठंडी हवा लाए तेरा ही नशा। दिल में खो चुका हूँ तेरे प्यार में, तू आजा मेरा गीत बन के प्रियतमा। ओ प्रिया, ओ प्रिया, मुझे छोड़ के तू यूं ना जा। सर, हर साल सोसाइटी के लिए तुम कुछ अच्छा करते हो। चार सालों में तुमने बहुत अच्छा किया। आखिर तुम्हारा इंस्पिरेशन क्या है? सिर्फ यू वर्ड्स। फ्रेंड्स, आज आपके सामने जो आर्या खड़ा वो पहले ऐसा नहीं था। एक महान व्यक्ति के साथ एक छोटी सी घटना ने मेरी जिंदगी ही बदल डाली। वो है करीमनगर जिला के महान व्यक्ति डॉक्टर रामचंद्र जी। रामचंद्र जी की जय। पुरखों की जायदाद को अपने लिए इस्तेमाल न करके गरीबों के लिए इस्तेमाल करते थे। उन्होंने अपनी मेहनत से एक आधुनिक हॉस्पिटल बनवाया और गरीबों की सेवा की। और एक अच्छा काम उन्होंने किया, हॉस्पिटल के बाहर एक हुंडी रख दी। गरीब आदमी अगर 10 रुपया डालता था उसमें तो अमीर आदमी 10,000। पैसों की कमी महसूस नहीं हुई और हॉस्पिटल जोरों से चलने लगा। उनके दिल में ये आशा थी कि हर बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उसके लिए उन्होंने हर छोटे बड़े परिवार के बच्चों को शिक्षा देने का इंतजाम किया। वो चाहते थे कि हर बच्चा पढ़ लिख कर एक आधुनिक भारत का प्रतीक बने। उसी हॉस्पिटल में मेरी माँ आया का काम करती थी। नमस्ते रामचंद्र जी। नमस्ते कलेक्टर साहब, आप खबर भिजवा
जाते तो मैं ही आ जाता। आइए, मुझे कुछ मदद चाहिए, इसीलिए आपके पास आया हूँ। बोलिए सर। हमारे जिले में नई सड़कें बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें ऑर्डर मिला है और कुछ जगह इरिगेशन कैनल्स भी बनाने हैं, और इसके लिए हमें कुछ किसानों की जगह को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप उन्हें समझाएंगे तो वो लोग मान जाएंगे, क्योंकि आपकी बात इस पूरे जिले में कोई नहीं टाल सकता। इसमें क्या सर, किसानों के लिए कुछ भला हो रहा है तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप अपना काम शुरू कीजिए। रुकिए, क्यों मार रही है इसे? देखिए बाबूजी, आपके सहारे ही तो हमारा गुजारा चलता है। आप उसे पढ़ा रहे हैं और वो आपके हुंडी में से आपके ही पैसे चुरा रहा था, और कल को वो आपके हुंडी तोड़ के पूरे पैसे निकाल सकता है। बाबूजी, आप भी मारिए इसे, मारिए ना, आप मारिए इसे, तभी इसे समझ आएगी। ये हुंडी मेरी ही नहीं बल्कि आप सबकी भी है। इसमें ताला लगाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। ये सिर्फ पैसे डालने के लिए नहीं, अगर आपको कभी पैसों की जरूरत पड़े इसमें हाथ डालकर पैसे निकालने का हक भी आपको है। पैसे डालना या फिर निकालना आपकी अंतरात्मा ही आपकी साक्षी है, उससे बड़ी किसी सिक्योरिटी की मुझे जरूरत नहीं है। अगर इसे बदलना है तो 100 अच्छी बातें सिखाओ, और अगर बिगड़ना है तो तुम्हारा कहा हुआ चोर शब्द ही काफी है। मैंने गलती की है सर, मुझे सजा दीजिए। जिंदगी में हर इंसान कभी न कभी गलती करता ही है, अगर उस गलती को ठीक समय पर सुधार दिया जाए तो वही सबसे महान होकर सबसे आगे बढ़ता है। आज के बाद अपने गुनाह के लिए किसी के आगे अपने हाथ मत फैलाना। किसी की नाड़ी पकड़ के या फिर किसी की मदद करने के लिए ही इस हाथ को फैलाना चाहिए। आई बात समझ में? उस दिन उन्होंने जो बात मुझे कही उससे मेरी जिंदगी ही बदल गई। उस दिन से मेरा एम यही है कि मैं उनके जैसा एक अच्छा डॉक्टर बनूं, जितना हो सके गरीबों की सेवा करना। आई थिंक दैट हैज केप्ट मी मोटिवेटेड। ओह वाह 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 वाह, सुपर साले जी, तुम्हारी एक ही स्पीच से 85% स्टूडेंट्स तुम्हारे फैन और फॉलोअर्स हो गए हैं। क्या स्पीच निकली है, ऐसा लगता है दिल से बोल रहे थे। कृष्णा, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? और नहीं तो क्या सर, मुफ्त में इलाज, आदर्श वगैरह वगैरह। कोई भी मुफ्त में किसी की मदद नहीं करता सर, कोई नाम कमाने के लिए करता है तो कोई पुण्य कमाने के लिए, और आजकल तो कोई स्वार्थ के बिना अपना काम करता ही नहीं है सर। वर्ल्ड इज फुल ऑफ सेल्फिश पीपल। इसका मतलब अच्छे लोग ही नहीं है इस पूरी दुनिया में? क्यों नहीं होंगे, सभी अच्छे लोग हैं, लेकिन बस अपने लिए ही। वैसे तुम कहना क्या चाहते हो दोस्त? सिंपल साले जी, मैं सिर्फ अपने लिए ही सोचता हूँ। मेरी एक ही पॉलिसी है, मैं एक सीढ़ी चढ़ने के लिए 10 आदमियों को मोहरा बनाकर 100 आदमियों को रौंदने के लिए तैयार हूँ। स्पेशल डे कैसे सेलिब्रेट करना है वही सोच रही हूं। तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया हो तो बताना मुझे। चलो बाहर चलते हैं, क्लास का टाइम है ना, मैं बाहर नहीं आऊंगी। फिर कब मिलोगी मुझे? क्लास होने के बाद यहीं कहीं मिल लेंगे। कहां? पार्किंग के आसपास। टाइम 5:00 या ओके। का टच था यार। आ रही आ रही। ओए अजय। सर सर बोलिए सर। हे आप बोलिए सर। तू हैरान है क्या? शायद पहचान लिया आपने। कंटिन्यू सर। इस लड़की के साथ तूने ऐसा बिहेव क्यों किया? मैंने? तूने? हे
क्या बोला इसने? मिसबिहेव किया मैंने, अच्छा किया मैंने, ऐसे टच किया था, ऐसे हाथ पकड़ा था या फिर किस किया था? तीन महीने तुम यहाँ नहीं थे, पूरे कॉलेज में शांति थी और तुमने आते ही अपनी औकात दिखा दी। चुपचाप कॉलेज छोड़ के चले जाओ या फिर अपने पिताजी के कैबिन में जाकर आराम से बैठो। अगर तुम सोचते हो कि तुम चेयरमैन के बेटे हो और मनमानी कर सकते हो तो तुम्हारी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। तू एक कॉलेज का लीडर और इन बेकार के लोगों को साथ में लेके घूमता रहता है। ये ब्लड डोनेशन, कैंसर कैंप, ओल्ड एज होम, कल्चरल इवेंट, लेमन द स्पून, और जो हम रात को यूज करते हैं। छोड़ो यार, वो सब ये नहीं कर सकते। बाकी सब काम संभालो, जाओ। भैया, चेयरमैन को कंप्लेंट करते हैं इसकी, चलिए भैया। आओ चलो। इसकी बहन तो कमाल की है। क्यों आया तू बैंकॉक से? अगर तू 6 महीने और वहाँ रुक जाता तो हमारा रशियन से टाई अप वाला काम पूरा हो जाता। 3 महीने हुए नहीं और तू आ गया और फिर झगड़े शुरू कर दिए यहाँ पर। हे, चुप कर। तुम्हारी वजह से अगर ये डील कैंसिल हो गई तो कॉलेज की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो अब मैं क्या करूं, बोलो? 3 महीने, सिर्फ 3 महीने अपनी हरकतें बंद कर, सब ठीक हो जाएगा। हे, उधर देखो जी। क्या बे? मुझे लगता है कि वो कृष्णा कोई नया प्लान बना रहा है अभी। हम उससे बात करके आता हूँ जी। हेलो जूनियर। हाय सीनियर। क्या किसी को फंसाने के लिए बड़ा प्रोग्राम बना रहे तो? हाँ सीनियर, प्रिया को लाइन पर लाने के लिए एक वंडरफुल आइडिया सोच रहा हूँ। हाँ? वो क्या जी? प्रिया के मनपसंद अर्नोल्ड को किडनैप करके हाँ? रात भर अपने पास रखने की सोच रहा हूँ। रख के क्या करोगे जी? ये क्या सीनियर, मेरी इमेजिनेशन को खराब क्यों कर रहे हो? हेलो, ये कॉलेज है, इधर सिर्फ पढ़ना होता है। जो लड़की पढ़ने के लिए आती है उसका इमेजिनेशन करना बहुत गलत है। तुम कहोगे तो मैं रुक जाऊंगा क्या? कल यही होने वाला है और तुम कैसे रोकते हो ये भी मैं देखूंगा। वाह कृष्णा, प्लान उसका, एग्जीक्यूशन मेरा। प्रिया मुझे और प्रिया का आचार उसको। यस। ये है प्रिया का अर्नोल्ड, कितना क्यूट है अर्नोल्ड। आजा 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 आजा। चुप हो जा, चुप हो जा। बिस्किट, स्वीट बिस्किट। आजा 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 आजा। बिस्किट नहीं चाहिए क्या? ओ लेग पीस, चिकन लेग पीस खाएगा क्या? ओ ऐसे खाना पड़ेगा। ए, इसको ये भी नहीं चाहिए। ओ एक बैग मारूंगा तो मेरा ब्रेन काम करेगा। इसकी ऐसी की तैसी। अरे तो दारू को देख रहा है। क्या चाहिए? क्या दारू चाहिए क्या? ओ बड़ा खुश हो रहा है। आजा 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 आजा। अब पता चल रहा है हॉस्टल की लड़कियां इतनी मोटी क्यों होती है। किडनैप। अरे जाने देना यार, खोया हुआ कुत्ता और खाया गया बिस्किट वापस थोड़ना आता है। पहले ये बिस्किट खाना बंद कर तू, ये मेरे अर्नोल्ड के। सही सही, बाजू हटो जी, हटा हटा, बाजू हटो जी, हटा। प्रिया तुम्हारा अर्नोल्ड नहीं मिला ना? तुम्हारा अर्नोल्ड कहाँ है मेरे को मालूम जी। मोटे 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 पीछे जाओ, पीछे जाओ। सुनो प्रिया, इधर एक बहुत बड़ा नाटक नाटक होने वाला जी। किडनैप करने वाला अपने आप को किड बता के तेरे अर्नोल्ड को लेके आएगा जी। अर्नोल्ड, अर्नोल्ड। प्रिया, रात भर तुम्हारे बारे में सोच सोच कर। क्या मतलब? रात को नींद नहीं आई और मैं वॉकिंग पे चला गया तो मुझे ये अनाथ कुत्ता नजर आया। अनाथ? मैं भी तो अनाथ ही हूँ ना। इसलिए मैंने अपने साथ इसे कमरे में रखा। पता नहीं इसके गुम हो जाने के गम में तुमने कुछ खाया या नहीं, लेकिन इसने तो सारी रात कुछ भी सॉलिड फूड खाया नहीं, पूरी रात लिक्विड ही लेता रहा। हाँ। ये सब एक कहानी है। नहीं प्रिया, बताया था इसने। नहीं नहीं, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। आपने मैनिपुलेट कर रहा है। ये सब झूठ बोलता जी। मुझ पे भरोसा नहीं करोगी प्रिया? अरे विकी, अर्नोल्ड को किसने किडनैप किया? किसी ने। नहीं नहीं, मैंने नहीं किया, इसने किया। नहीं नहीं, इसने किया, इसने किया, इसने 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 किया। इससे पूछो। शट अप। हां, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा।
इसे किसने किडनैप किया है ये अर्नोल्ड ड्रॉ करके बताएगा। किसने किडनैप किया तुझे? उसकी तस्वीर बना। कम ऑन अर्नोल्ड। अरे इसने मेरी तस्वीर बना दी तो। अरे ब्रदर किधर जाता जी तुम? कुत्ता तस्वीर बनाएगा वो किसना की होगी, सब लोग देखेंगे, स्पेशली तुमको देखना होगा और वो पकड़ा जाएगा। क्या तस्वीर बना रहा है? अरे ये कुत्ता है, किसी ड्राइंग मास्टर का शिष्य है। विक्की मेरे कमरे से तू ले गया था ना इसे, तेरी तस्वीर क्यों नहीं बनाई इसने? अबे देख बे प्रिया, मुझे सब समझ में आ गया, इसी ने किडनैप किया था। मेरा कसूर नहीं है। तुम ऐसा करोगे? मैंने सोचा भी नहीं था। प्रिया अर्नोल्ड ने गलत तस्वीर बनाई है, इसने किडनैप किया था। अर्नोल्ड झूठ नहीं बोलता क्योंकि वो मेरे यहाँ पला है। अरे तमाशा क्यों देख रहे हो? आज अर्नोल्ड को किडनैप किया है, कल मुझे किडनैप करेगा, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। मारो मारो। सॉरी एंड थैंक यू। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कृष्णा नो 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 एस कृष्णा ऑर्फन मैडम ऑर्फन। भरोसा माँ जैसा होता है, चरित्र पिता जैसा होता है, लेकिन मेरा कोई नहीं, मैं अनाथ हूँ ना, इसलिए सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। It's okay, madam. It's okay. ध्यान से बेटा। मैडम आप उस तरफ कहाँ जाइए हमें? लीजिए। आपको 5 लाख और बनने होंगे। अभी तो भरा है मैडम। ये पेंडिंग अमाउंट है, आपके हस्बैंड आईसीयू में जो है, आपको और 5 लाख रुपीस डिपॉजिट करने होंगे। और नेक्स्ट टेक्स्ट आगे बढ़िए। What's happening? Sir, this is ARDS case, sir. ECG भी निकाला सर, पल्स पूरे ड्रॉप हो गए हैं, कंडीशन बहुत क्रिटिकल है सर। पल्स इज ड्रॉपिंग, इसका जीना मुश्किल है। फिर इस पेशेंट का क्या करें सर? वेंटिलेटर पर रखो उनको, पेशेंट की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन देखकर मैक्सिमम बिलिंग करो। 5-6 दिनों के बाद सॉरी कहकर बॉडी हैंड ओवर कर दो। ओके सर। सर क्या है ये सब? डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं पेशेंट, और हम ये कर रहे हैं? जेन्युइनली अगर कोई ट्रीटमेंट है तो हमें इनके साथ करना चाहिए, नहीं तो हमारे बस की नहीं है, कहकर डिस्चार्ज कर देते हैं सर। Who is he? Finally, a student आर्या है। देखो मिस्टर, ये सब सेमिनार्स में स्पीच देने के लिए अच्छा लगता है, प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ में आती है। इतना बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चलाने के लिए और हमारी सैलरी देने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, चाहो तो कोई और हॉस्पिटल लेके जाओ। ऐसा कहकर अगर हम सारे पेशेंट्स को छोड़ देंगे तो हमें घर भेज देंगे। टारगेट्स मार्केटिंग वालों के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी होते हैं। अगर उसे पूरा नहीं किया तो मेरी सीट कोई और हथिया लेगा। यू लर्न दिस फर्स्ट। ये रहा डॉक्टर, मेरे पति कैसे हैं? वो इस वक्त पूरी तरह ठीक हो जाएगा ना? वो अभी अभी पूरे पेंडिंग बिल्स भर दिए हैं डॉक्टर, अब वो 5 लाख और भरने को कह रहे हैं। घर के कागजात गिरवी रख दिए हैं, शाम तक वो भी भर दूंगी मैं डॉक्टर। आप उनकी जान किसी तरह बचा लीजिए डॉक्टर। डॉक्टर डॉक्टर हमारे छोटे 2 बच्चे हैं, उनके बिना हम सब अनाथ हो जाएंगे डॉक्टर। उनको बचा लीजिए डॉक्टर। मम्मी रो मत, मम्मी पापा ठीक हो जाएंगे। यस आर्या। सर ये सब क्या हो रहा है हमारे हॉस्पिटल में? सर क्या हुआ आर्या? सर कम से कम ट्राई तो करना चाहिए, लेकिन पैसों की खातिर पेशेंट को वेंटिलेटर में रखा जा रहा है। What case? ARDS. Okay, relax. Okay? Just do one thing. Keep observing the pulse movement. I'll be right there. Okay, sir. प्रिया प्रिया प्रिया,
तुम्हारे प्यार के बारे में कुछ सोचा कि नहीं? मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, जाओ यहां से। कुछ ना कुछ तो होगा तुम्हारे मन में। 10% 20% सॉरी। कृष्णा, व्हाट आर यू डूइंग? फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर सकते, तुम ये क्या कर रहे हो? कृष्णा, लिसन टू मी, तुम बस प्रेस करती रहो, डोंट लीव, गो बैक। थ्री टू वन, लोड एट्रोबिट, वो नहीं, वहां नीचे वाला, फास्ट, इंजेक्ट करो, गो बैक, 3, 2, 1, हे, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? What the hell are you guys up to? अरे, you're not trained to handle all this, yeah? Just go back, 3, 2, 1, shit, he's reviving, check the pulse, I can feel the pulse, it's stabilizer, come on, Priya, give him 1 gram of ambipenem. Ambipenem. Intravenous immediately. Okay. How is he doing? Sir, stable now. Pulse is also stabilizing. It's good. Nurse, give him 1 gram of ambipenem. Ambipenem? Immediately. Okay, doctor. Yeah. Sir, abhi to... Already given? Yes, sir. That's really good. Give me the case sheet. Krishna. Huh? कहिए सीनियर। हे, ये तुमने क्या किया? इट्स ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। लंग्स लॉक हुए हैं, ब्लड लॉक हुआ है, व्हिच इज लेड टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन। वही साले जी, हार्ट अटैक। देयर वाज ओनली 5% चांस ऑफ पेशेंट रिवाइवल। वही 5% चांस को मैंने 100% ट्राई किया था। पेशेंट बच गया। और उस दिन तुम कह रहे थे कि नकल करके पास हुए? बिल्कुल, कॉपी करके ही तो पास हुआ था, लेकिन जो कॉपी किया था वो भूला नहीं हूं। बाय साले जी। मेरे पति अब कैसे हैं डॉक्टर? अब डरने की कोई बात नहीं। कृष्णा, नजर नहीं आता, लेकिन कोई तो बात है तुम में। वो क्या है? कुछ तो है, तुम पर प्यार है। सुंदर सी सेल्फी में तुझको पाऊं मैं, मेरे दिल में तुझे छुप छुपा के बिछाऊं मैं। सोने की गुड़ी तू, लव यू मेरी जान, हॉटर बलून में असर कर मेरी जान। सपने में यूं आके क्यों ऐसे सताए, पर्दे के पीछे से क्यों प्यार जताए। मेरे मन की मगरी ना, मेरा सब कुछ तू ही है ना। चलो घूमे नाचे सारा जहां, आजा मेरी बाहों में। तू ही मेरा सुपर डुपर माही वे। तू ही मेरा सुपर डुपर माही वे। तू ही मेरा सुपर डुपर माही वे। पागल कर दिया मुझे आगे पीछे घुमा के।
प्रिया तू ही मेरा सुपर डुपर माही बे तू ही मेरा सुपर डुपर माही बे तू ही मेरा सुपर डुपर माही बे पागल कर दिया मुझे आगे पीछे घुमा के तू ही मेरा सुपर डुपर माही बे तू ही मेरा सुपर डुपर माही बे तू ही मेरा सुपर डुपर माही बे पागल कर दिया मुझे आगे पीछे घुमा के इधर उधर इधर अरे देखो 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 सुई में धागा घुस गया तो फिर निकाल के उसे बटन सील ले ऐसा क्या उधर देखो इधर देखो उधर देखो इधर देखो तो बिरयानी खाई क्या तो अब देखो वो जाएगी देखो वो भी जाएगा किधर जाता है भैया हाय भैया हाय भैया किधर जाता बता मैं कहाँ जाऊंगा भैया मैं तो टोटल फ्री हूँ क्या बात है टी शर्ट ट्रैक पैंट शूज गेम फुटबॉल खेलने जा रहे हैं चलो भैया भैया मैं भी चलो मुझे भी नहीं चलना आप बिल्कुल अंदर नहीं जा सकते हम यहाँ से नहीं लेंगे आप जाइए वो अंदर नहीं आप जाइए ना सर क्यों चिल्ला रहा है यहाँ पे और इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी कर रखी तेरी है? इतनी हिम्मत की मेरी बहन को तूने हाथ लगाया इसको मैंने ए आर्या तुम मुझे गुस्सा मत लाओ चुपचाप निकल जाए यहाँ से तेरी इस हरकत से कोई भी लड़की इस कॉलेज में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही ये इडियट है क्या हो रहा है वो कह रहे छोड़ेंगे नहीं और तू उनको कंट्रोल कर रहा है क्या समझता है अपने आप को ए मैं सब समझता हूँ तू खुद को लीडर साबित करके इन सब को इकट्ठा करके मेरे खिलाफ सबूत पैदा कर रहा है कि मैंने तेरी बहन के साथ कुछ किया है अब बोलता हूँ सुन ले तू तेरी बहन के साथ मैंने ही छेड़छाड़ की थी बड़ी सही चीज है मुझे पसंद आई इसलिए हाथ लगाया एक बार नहीं बे
हजार बार हाथ लगाऊंगा। क्या कर ले? मुझे मारता है तू? ये तुम दोनों बाप बेटे की क्या प्रॉब्लम है? सबसे ज्यादा बिजनेस का टर्नओवर होता है मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का। मैंने उन दोनों को ऊपर तक ले जाने के लिए अपनी जी जान लगा दी है और ऐसे वक्त में तुम लोगों की ऐसी बात नहीं है। ये प्रॉब्लम ज्यादा दिन नहीं रहनी चाहिए। किसी भी तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके 2 दिनों के अंदर कॉलेज को रीओपन करवाओ। अगर उस आर्या को ही मार दे तो पूरे कॉलेज में सन्नाटा छा जाएगा, कॉलेज भी ओपन हो जाएगा। तू इधर आ, ऐसे सेंसेशनल इश्यूज में हमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तू एक काम कर, एनकाउंटर शंकर को बुलाओ, ऐसे मामलों को सुलझाना उसे अच्छी तरह आता है। बहुत अच्छे जवान हो, गरम खून है तुम्हारा, लीडर हो, और तुम्हारे साथ ये बेकार के 15 लड़के, मैं ये सब समझ सकता हूँ। बंद कर दे, तुझे जो भी चाहिए बोल, मैं दिला दूंगा। तेरी लीडरशिप खराब ना हो इसके लिए तू 2 दिन और धरना कर ले, उसके बाद साइलेंटली यहाँ से दफा हो जा। सुनिए, ये हमारे कॉलेज की समस्या है, इसे कैसे हैंडल करना है हम अच्छी तरह से जानते हैं। पहले आप यहाँ से निकल जाइए। सर चलिए सर। ए, तेरे अंदर बहुत दम आ गया है, तू मेरा नाम जानता है ना, एनकाउंटर शंकर। उठा कर एनकाउंटर कर दूंगा, तुझे पता नहीं एनकाउंटर का कोई केस नहीं बनता। एनकाउंटर करने वाले शंकर को शायद ये भी पता होगा कि कॉलेज में हंगामा हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। अगर हम सब यहाँ तुझे रौंद के मार डाले तो उसका भी कोई केस नहीं होगा। क्या कर लेगा तू? छोड़ मुझे क्या कर रहा है मुझे? छोड़ मुझे। अरे क्या ऐसे जबरदस्ती कर रहे हो? अरे छोड़ मुझे, बाहर देख टीवी में। What's happening? सर, फिर किसी ने हैक किया सर? स्टॉप करें क्या? नहीं नहीं, गुड फॉर TRP, बट सर जस्ट फॉलो द बॉस ऑर्डर, लेट इट गो लाइव। ये एनकाउंटर शंकर लग रहा है। हाँ वही लगता है। हेलो सर, SSTV में एनकाउंटर शंकर भाग रहा है, वो लाइव दिखा रहे हैं। कहाँ पर? कोई समझ नहीं आ रहा सर, हम ट्रैक कर रहे हैं सर। Keep tracking and tell me. तू? तेरी मौत। वो लाइव मर्डर तो नहीं किया था ना? पुलिस वाला हूं मैं, कुत्ते की मौत मारूंगा। शंकर, एनकाउंटर शंकर हूं मैं। बात करेगा या फाइट करेगा? आ, 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 आ,
जाके अच्छी तरह चेक करो, जाओ सर। सर सर बताइए, पूछना है तो डेड बॉडी से पूछो, चलो जाओ। प्लीज प्लीज गो बैक, प्लीज गो बैक, चलिए पीछे जाइए। डू यू वांट टू नो हु इज बिहाइंड दिस मर्डर? यस, शहर में हो रहे लाइव मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट करने वाला स्पेशल ऑफिसर मैं हूं। पता है सर, पर आपने मुझे क्यों यहां बुलाया है? एनकाउंटर शंकर के मर्डर स्पॉट पे जैसे ही मैं पहुंचा, उसी वक्त मेरे फोन पर एक मैसेज आया और उसमें इस मर्डर के पीछे कौन है कि आप जानना चाहते हैं, तब मैंने हाँ करके भेजा, लेकिन इस बार SMS नहीं आया, MMS आया, उसकी फोटो फॉलोड बाय SS चैनल MD शिवशेखर प्रसाद, मेडिकल कॉलेज चेयरमैन सोम शेखर और उसका बेटा अजय। उसके बाद एक और SMS आया, अब मैं इन चारों को मारने वाला हूं, अगर तुम्हें दम है तो बचा लो। मगर ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे फोन से आए हैं, इसलिए। मेरा फोन खो गया सर, आप यकीन कीजिए सर, कल रात से मेरा फोन नजर नहीं आ रहा है। अच्छा बेटा, मोबाइल खो गया तो उसकी कंप्लेंट तो करनी चाहिए थी। नहीं सर, वो क्या है कि कल कैंपस में, ये सब कुछ झूठ बोल रहा है सर। खुद को लीडर बनाने के लिए हमारे कॉलेज में लॉकआउट करवाया, SI शंकर को भी इसी ने मारा है और अब हमें मारने के लिए इसी ने फोटोज भेजे हैं। मारेगा मुझे, मार मुझे, ये बात नहीं सर। ये TV चैनल नहीं है, मेरा ऑफिस है, यहाँ सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देनी चाहिए। तो तुम्हारा मोबाइल कहाँ खोया था तुम्हें पता नहीं? नहीं पता। इसका सर, मतलब इस मर्डर से तुम्हारा कोई संबंध नहीं? नहीं सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। रघु सर, प्रोटेक्शन के लिए इन सब के डिटेल्स लेकर इन्हें भेज दो। ओके सर। ये क्या सर, हाथ में आए मुजरिम को छोड़ दिया आपने? तुम्हें सफाई देने की मुझे कोई जरूरत नहीं, प्रोटेक्शन देने की जिम्मेदारी मेरी है। क्लियरली जब MMS उसके फोन से आया था तो उसको अरेस्ट करने के बजाय तुम हमें प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हो, ये मेरी समझ में नहीं आई। तुम क्या प्रोटेक्शन दोगे? और इस बात को जो इतना बढ़ावा दे रहे हो, ये सब कुछ हमें नहीं चाहिए। जब मर्डर की लाइव टेलीकास्ट तुम्हारे चैनल पर हो रही थी तो उसे रोकने की बजाय तुमने किसी और को हैक करने दिया, मैंने मान भी लिया। और जब दूसरा मर्डर हुआ तुम चुपचाप देखते रहे और जब पूछा कहा कि फिर हैक हुआ। क्यों? अपने चैनल की TRP बढ़ाने के लिए तुमने ही ये दोनों मर्डर करवाए हैं, ऐसा कहकर अरेस्ट कर सकता था ना। जैसे तुम्हारा चैनल हैक हुआ वैसे ही उसका मोबाइल चोरी हो गया। चलो, इसका ट्रांसफर यहां से कैसे करवाना है मैं जान करवा के देख। स्कैम्स और स्कैंडल करवाने वालों को डराता फिरता है तो मेरी गिनती भी उन्हीं में कर रहा है क्या? CBI, दम है तो ट्रांसफर करवा के दिखा। तेरे जैसे चैनल वाले न्यूज में मसाला डालकर दिखाते हैं ना, इसीलिए रिपोर्टर से जनता का भरोसा उठ गया है, अब वो ट्विटर और फेसबुक पे भरोसा करते हैं। तो कांप क्यों रहा है भाई? पुलिस पावर मैंने फिल्मों में देखा है सर, और CID की पावर मैंने सीरियल में देखी है, और CBI की पावर मैं आज ही लाइव देख रहा हूँ ना, इसलिए कांप रहा हूँ और मुझे बहुत डर भी लग रहा है सर। तेरा नाम क्या है? SS कृष्णा सर, आई एम ऑर्फन सर। ऑर्फन, और SS का मतलब? वैसे तो मेरे आगे पीछे कोई है नहीं सर, कम से कम नाम के आगे कुछ तो लगाऊं, इसलिए सोचकर मैंने ये लगाया। हाँ। सर एक्चुअली स्वार्थ क्या होता है ये जाने बिना
चुपचाप अपनी जिंदगी गुजारने वाले मुझ जैसे को पता नहीं वो क्यों मारना चाहता है। ये तो तुम ही बताओगे। प्रेम मेरी जिंदगी है और शांति मेरा रास्ता है, और मुझको उसकी बहन नजर आई सर। उसकी बहन से प्यार किया तो वो मेरा दुश्मन बन गया सर, इसलिए उसने मेरी फोटो लगाई होगी सर। कौन, वो आर्या क्या? ये तो आप ही बताओगे सर। रघु सर, इसके डिटेल्स लेकर इसे जाने। ओके सर, थैंक यू सर। इधर आ भाई। सर नमस्ते। हाँ ठीक है। नमस्कार, नाम बोल। SS कृष्णा सर, आई एम एन ऑर्फन सर। सर मुझे प्रोटेक्शन के लिए 10-15 पुलिस वाले और 10-15 ब्लैक ड्रेस वाले और उनके हाथ में AK-47। यस यस यस। इतना ही नहीं, तुम्हें कॉलेज जाने के लिए 4 इनोवा कार और कार के ऊपर सायरन चलता रहेगा, फायर इंजन, एम्बुलेंस और वगैरह वगैरह। ये सब किसको मिलता है पता है? किसको सर? CM कॉनवॉय। CM कॉनवॉय? हाँ, तेरी शक्ल के लिए 2 सिक्योरिटी वाले ही बहुत है। बस 2 सिक्योरिटी वाले? वो भी नहीं चाहिए क्या? नहीं नहीं, साइन कर, साइन कर। आपका हाथ पकड़ते ही मुझे कुछ फील हो रहा है सर। वो क्या है? ये मैटर तो दिल का मैटर है। इतने दिन से बात मेरी बीवी को ही पता नहीं चली, तुझे कैसे पता चल गई? डॉक्टर सर, डॉक्टर। ऐसे पल्स पकड़ कर कांग्रेट्स बोलने का मतलब है। प्रेग्नेंट है, कंफर्म हो जाता है। कितनी पिक्चरों में नहीं देखा हमने। हम इसके लिए कोई टैबलेट रघु? हाँ भी आया सर। जल्दी साइन कर, जल्दी कर, जल्दी कर। टैबलेट का नाम फोन पे बता देना है। टैबलेट का नाम ही लिखा। रघु कौन सा टैबलेट? देखो आ रहा हूँ सर, मारूंगा। उसको भेज दिया सर। पर सर मेरा एक डाउट है, SMS फोटो सब आर्या के सेल से आए थे, प्रूफ होने के बाद भी आपने उसे अरेस्ट किए बिना छोड़ क्यों दिया? क्योंकि मुझे उस पर शक नहीं है। तो फिर किसके ऊपर शक है सर? अब तक जो ओवर एक्टिंग कर रहा था ना वो। क्या? सुनो एक काम करो सर, सर तुम दोनों उसके पास सिक्योरिटी बन के जाओ। यस सर। और कुछ पुलिस वालों को सादी वर्दी में कॉलेज और हॉस्टल के आसपास लगा दो और उनके हर मोमेंट्स पे नजर रखो। कृष्णा बेटवा, कृष्णा 10 बज गए हैं, उठ जाना बेटवा। कृष्णा लीजिए लीजिए। अरे कमीने, ये क्या कर रहा है? मार मैंने खाई, पानी इसको पिला रहा है। बेचारा डर गया सर, आपका फेस बहुत क्लोज से देखा ना, इसलिए डर गया सर। पानी पिएगा सब ठीक हो जाएगा। तू भी हो रहा। और अपनी जुबान बंद रख। और तुम बेटा कृष्णा, बिना देखे जैसे कुत्ते को मारते है वैसे मुझे मारने लग गए। डर सर डर। वो CBI जो अंकल, हाँ उसके हिट लिस्ट में मेरा नाम है। जब उन्होंने बताया तब से मुझे बहुत डर लग रहा है सर। सडनली जब आप चिल्लाए तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या कर रहा है, इसलिए मैंने जोर से मार दिया सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने थोड़ा नहीं जोर से मारा, जोर से मारा तो क्या हुआ? इट्स ओके मिस्टर कृष्णा, डोंट वरी, आज के बाद तुम बिल्कुल मत डरना सर। 24/7 न्यूज़ चैनल प्रोटेक्शन, मतलब मैं जहाँ जाऊँगा आप वहाँ बिल्कुल आ जाएंगे सर। वॉकिंग पर आएंगे और कॉलेज में आएंगे, बाथरूम में आएंगे। मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं बे? बाथरूम कह रहे सर, बाथरूम में अकेले जाने में डर लगता है। मैं नहीं आ रहा, तुमको जाना तो जाओ। हे भगवान। कृष्णा, हे तुमने तो एकदम करेक्ट पहचान लिया मुझे, ये कैसे किया? जिससे आप प्यार करते हो उसका पीछे से तो क्या सपनों में भी स्पर्श हो जाए, उस स्पर्श से पता चल ही जाता है। हाँ करेक्ट करेक्ट है। ये जो प्यार करता है उसे ही समझ में आता है। तुमने कभी किसी से प्यार किया होगा तभी। लव कहाँ है? hey. जब मेरे भैया के साथ अजय लड़ रहा था तब तुम्हारा प्यार कहाँ था? बताओ बताओ, तब साइलेंटली क्यों खड़े थे? बोलो। hey, hello, hello, hello. मैं कहाँ साइलेंट खड़ा था, उसको पत्थर से मैंने ही तो मारा था। अरे तुम हो क्या चीज, सब कुछ पीछे से करते हो। उस दिन पेशेंट की जान बचाकर क्रेडिट नहीं लिया और कल अजय को चुपचाप पीछे से पत्थर मारा। तुम मेरी समझ से बाहर हो। अच्छा तुम्हारे रूम में हैकिंग बुक कहाँ से आई? अरे बाप रे, वहाँ लैपटॉप क्यों है और ये स्पाई कैम का क्या काम? हाँ अरे आई एम टॉकिंग टू यू, तुम मेडिकल पढ़ रहे हो या इंजीनियरिंग? हाँ इन सब चीजों की तुम्हें क्या जरूरत, बोलो। मामा सीता क्रेजी बॉय के मन में है प्रेम गीता, मा मा मार्गरीटा दिस क्रेजी बॉय मांगे है चुम्मा चुम्मा, दिस स्वीट हार्ट बॉय डाउट को छोड़ दे सेनोरीटा, डोंट
strong eye. Dekho everything is fair in love and war. मुझे इनसे बात करने दो सर, जो कुछ होना था हो गया। अजय से कहो कि इनको सॉरी कहें। सर, बेवजह हमारे हॉस्पिटल का नाम बिगड़ेगा। एक सॉरी की तो बात है। सिर्फ मुझे सॉरी कहने से बात नहीं बनेगी सर, कॉलेज में जितने लड़कियां हैं उन सबको सॉरी कहना होगा। सॉरी कहने के बाद पीछे मुड़े बिना कॉलेज से बाहर जाना होगा। मैं क्यों जाऊंगा कॉलेज से बाहर? सॉरी कहना ही बहुत बड़ी बात है और तू कहता है कि मैं अपने ही कॉलेज को छोड़ के बाहर जाऊं? ए! पुलिस वाले को डरा धमका के मारने से तू अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझता है क्या? खत्म कर दूंगा तुझे। कूल कूल प्लीज प्लीज प्लीज। सर सर, हमारे ही टुकड़ों पर पलने वाले नौकर हो तुम। तू मुझे स्पीच दे रहा है और वो मुझे वार्निंग दे रहा है। सर, ये सब क्या हो रहा? तो हमारी साइड है या उसकी साइड है? सब समझ गया सर। गेट पे पहरा देने वाले वॉचमैन और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर की औकात एक ही है, ये आपने साबित कर दिया। तुम हमेशा पूछा करते थे ना आर्या, सिर्फ पेट दर्द के लिए ही क्यों अपेंडिक्स का ऑपरेशन क्या करते हैं लोग? छोटे से सिर दर्द के लिए क्यों सीटी स्कैन करवाते हैं लोग? ऑलरेडी मरे हुए पेशेंट को आईसीयू में रख के ब्लॉकों का ट्रीटमेंट। तुम्हारे पूछे हुए हर सवालों का जवाब। मरीजों को औषधि देने के बजाय हमने व्यापार किया है। अब हम ये व्यापार नहीं करेंगे। चलो आर्या।
क्या कर लोगे तुम लोग? ये हमारा कॉलेज है, अगर हम चाहे तो तुम सबको खाड़ फेंक के नए स्टाफ को रिक्रूट कर सकते हैं। कर जो तेरे दिल में आए कर। अब मेरी बात गौर से सुन, तुझसे सॉरी कहलाने या तुझे कॉलेज से बाहर निकालने के लिए नहीं है ये धरना। इलाज के नाम पर लोगों से लाखों करोड़ों ऐंठ रहे हो, वो सिस्टम बंद होना चाहिए। उसके साथ ही आपने रशिया के साथ जो टाई अप किया है वो कैंसिल होना चाहिए। शांति ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का लाइसेंस रद्द होना चाहिए। तब तक रहेगा ये धरना। चलिए सर। ऐसा हो जाएगा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे खास दोस्त उस जज को मारकर हमारे चैनल पर जिसने ये सेंसेशनल न्यूज बनाई, तो हमें लगा कि उसके साथ किसी की दुश्मनी होगी। फिर हमारे एनकाउंटर शंकर को मारकर उसने हमारे फोटो भेजे और बोला कि नेक्स्ट वो हमें मारेगा। एक तरफ स्ट्राइक चल रही है और दूसरी तरफ थ्रेट्स आ रहे हैं। ये सब क्या वो आर्या कर सकता है, या फिर उसके पीछे किसी और शख्स का हाथ हो सकता है? अच्छा सुनो, हमारे साथ एक और लड़के से पूछताछ की थी ना, वो कौन है? अपने कॉलेज का स्टूडेंट है। हाँ, एक काम करो, उसे बुलाओ। हेलो सर। तेरा बैकग्राउंड क्या है? मैं एक अनाथ हूँ सर। हाँ? अनाथ मतलब जिसका आता पता नहीं होता और कूड़े में पड़ा मिलता है, जिसे कोई उठा के पाल लेते हैं, उस कैटेगरी का है तू? आर्या को तुम पहले से जानते थे? वो नहीं, लेकिन उसके बारे में पता है मुझे सर। वो खुद भी नहीं सुधरता और किसी को सुधरने नहीं देता। सर, मैं स्टाइफंड से अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए एक डॉक्टर बनके एक अच्छा हॉस्पिटल बनाने की सोच रहा हूँ। बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहता हूँ सर। और ये बीच में ही ट्राइक और झगड़े वगैरह करके सिलेबस ब्रेक कर रहा है सर। तेरे मरने के बाद तेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। स्टाइफंड से तू अपनी जिंदगी गुजार रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि तुझे मारकर किसी को क्या मिलेगा। इसलिए तो मैंने सीबीआई से प्रोटेक्शन लिया है सर। हमें फंसाने के लिए सीबीआई वाले ने इसके फोटो का सहारा लिया। यह सब वैसे आर्या का काम है। अगर वो सचमुच किसी को मारना चाहता है तो देखो, हमें पता लगाना होगा। तब तक तुम यहीं रहो और हमारी परमिशन के बिना तुम बाहर नहीं जाओगे। सर, लेकिन मुझे पुलिस का प्रोटेक्शन मिला। सब नहीं चाहिए बोल दो। हमारी इजाजत के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता। करते हुए सबको डराते हुए सीबीआई के द्वारा जैगवार का नाम जिसने हासिल किया, वो मास्क मैन आज एक शॉपिंग मॉल में अपने मास्क के पीछे छुपा हुआ असली चेहरा दिखाएगा। इसकी आगे की न्यूज हमारी संवाददाता सौम्या आपको बताएगी। आप सब लोग कौन है? जैगवार फैंस। मर्डर करने वाला जैगवार अच्छा आदमी है या बुरा पता नहीं, और उसके आप फैंस हैं। इंडिया में वीरप्पन के फैंस हो सकते हैं तो इसके क्यों नहीं? कहीं से भी खुद सकता है। अगर वही जैगवार हुआ तो तुरंत उसे अरेस्ट करो। सर, 3,000 लोग आपका चेहरा देखने के लिए बेताब है, क्या आप हमें अपना चेहरा दिखाएंगे प्लीज? जिसका दिल होता है वो आगे देखता है, और जिसका दिमाग होता है वो पूरी दुनिया देखता है। तुमको तो यहाँ मौजूद 3,000 लोग ही दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो टीवी के आगे बैठे 7,000 लोग नजर आ रहे हैं। ये निकलो, फोटो निकालो। आपको सेंसेशन न्यूज चाहिए और मुझे पॉपुलैरिटी बढ़ाने वाली पॉपुलेशन चाहिए। पदम सिंह, पॉपुलैरिटी पदम सिंह हूँ मैं। ये लाइव मर्डर सारे आप ही ने किए थे? Yes, I am the war, I am the jaguar. आप टीवी में इतने पतले नजर आ रहे थे, सामने से तो तोंद निकली हुई है। लंगूर करीबा फाइट करते वक्त सिक्स पैक, और जब फ्री होता तो फैमिली पैक। यार वो दोनों मर्डर आपने क्यों किए? किक लाने के लिए। सर, आपका अगला टारगेट कौन है? देश में बहुत बेकार लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिग्नल के सामने खड़े होकर बेकार में हॉर्न बजाते हैं, बेकार लोग। हिंदुस्तान में पैदा होकर हिंदी ना बोलने वाले टफर और बेकार लोग। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। आई विल मर्डर एवरीबॉडी। सर, इसका मतलब आप पुलिस से डरते नहीं है? क्या 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 डर? और मुझे? अरे मैं डरने वाले घोड़ों में से नहीं हूँ, रेस का घोड़ा हूँ।
सच। एसओ, इसकी बेल करवाओ और इसे यहाँ लेकर आओ। ए, इधर आ। सर, इसका बैकग्राउंड पता करो। ओके सर। जोकर लगता है ये तो। एक बार और। जैगुआर। ये क्या है? उपमा है? उपमा खाकर बॉडी बनाने वाले तुम जैसे की जरूरत नहीं है। चल बाजू हट। गेट अप, गेट अप, गेट अप। आई से गो देयर। मेरी जमानत करवाने वाला फालतू आदमी कौन है? कौन है वो स्काउंडल? कम ऑन, टेल मी। आई से मेरा अंदाज अगर सही है, ये स्काउंडल ही होगा वो। hey. खोटी आवाज नहीं, दबा दूंगा आवाज को। hey, तेरे पीछे कौन है बे? नो, कोई भी नहीं है मेरे पीछे। मेरे आगे पीछे रहने के लिए क्या मैं राशन की दुकान में खड़ा हूँ क्या राशन लेने के लिए? नो, वार 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 करने के लिए आया हूँ मैं यहाँ। अबे ओए, वहाँ कहाँ जा रहा है बे तू? hey, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। ये सारे मर्डर किसने किए बता दे वरना मार डालूंगा। शुगर और बीपी के गोदाम लग रहे हो, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? ज्यादा टेंशन लोगे तो नसें फट जाएगी और मर जाओगे। क्या बम्पर है? अरे बाबूजी, क्यों ऐसे मार दिया? बाहर से क्लास है और अंदर से खल्लास है। सर, ये एक छोटा बड़ा चोर है, पॉपुलरिटी का पागलपन है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है ये। सर, सिटी में जो भी क्रिमिनल है उनके टच में रहता है हमेशा। ए, शेर दहाड़ रहा है और तुम खुदर बुदर कर रहे हो वहाँ पे? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ए, मैं पागल हूँ, डरता नहीं हूँ, गोली चला देता हूँ। सच सच बता दे वो कौन है। तुम्हें तो मेंटल बनना पड़ेगा। अरे नमूने, मैं तो पहले से मेंटल हूँ, मेरा बीबी बनने से पहले जवाब दो। ये हाथ क्या दिखा रहा है? अभी ये हाथ का जमाना नहीं है। ऊपर उठा के क्या दिखा रहा है? सर, उन मर्डर्स के मेरा कोई संबंध नहीं है सर। क्रिमिनल्स को इन्फॉर्मेशन और वेपन चाहिए तो वो मुझे फोन करते हैं साहब। जागवान ने भी मुझे फोन किया था साहब। उसका नंबर है तेरे पास? नहीं साहब, इस बार करके तो नोट करके रखूंगा। कृष्णा, जब तक उस जैगवार का पता नहीं चलता, इसे अपने रूम में रखो। ओके, चलो जाओ। हाँ बोलो। आपके प्लान के मुताबिक उसने मुझे बेल दिलाई और कृष्णा के कमरे में रखा है। यहाँ कब, कौन, कैसे, क्या क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है, ये सब कुछ अपडेट करके आपको दूंगा मैं। उसके बदले मेरे दोनों केस को खारिज करके मुझे छोड़ देंगे तो मैं दुबई जाकर रोटी सोटी का बंदोबस्त कर लूंगा साहब। पहले जो काम सौंपा है उसे करो, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, ये क्या उस बेकार के 420 को आपने वहाँ पर भेज दिया? उस कृष्णा ने हमें लिख कर दिया था कि उसे प्रोटेक्शन नहीं चाहिए और अब वो चारों वहीं पर है। वहाँ क्या हो रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा? मेरा मतलब ये है सर, इतने समझदार लोगों के बीच में आपने कार्टून जैसे को भेज दिया। इसलिए तो मैंने भेजा है। चलो हटो। अरे पकड़ लिया। अरे बाप रे, आप है क्या? कहाँ की है तू? श्री गंगानगर की। ओ, श्री गंगानगर। ये बता, तेरे पास पासपोर्ट है ना? बिल्कुल है जी। पासपोर्ट है क्या? हाँ। या कमन्या, हम दोनों मिलके अगर दुबई जाएंगे तो वहाँ रोज मजे ही मजे। ओके जी। कितनी प्यारी है। अरे प्यासी क्यों है? क्यों बे, चुपचाप खाके कोने में पड़े रहने के बजाय काम वाली को फंसाने के चक्कर में है? गिड्डा कहीं का, भगा से। ईफिल टावर सामान बड़ा है लेकिन दिमाग छोटा है, बाड़ी बड़ी दिमाग कम। आगे मेरे हाथ में रम रब्बा। थैंक यू सर। अरे सर सर सर, मत बता यार। प्यार से पदम, इस तरह बुला सकते हो ना? चाचू बुलाऊं? हाँ। चाचू? हाँ? चाचू कृष्णा। चाचू चाचू कृष्णा कृष्णा। ड्रिंक चाचू, अभी उठा लो ले। चाचू चीयर्स। चीयर्स बोला ही नहीं और अंदर घोड़ा के लिए तुमने? चाचू चाचू चाचू, उसने इतने जोर से मारा मुझे पसंद नहीं आया चाचू, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगा चाचू। तुम क्या समझ रहे हो, मैंने जानबूझ कर थप्पड़ खाया? बेकार का लंगूर, मेरा बैकग्राउंड जाने बिना उसने थप्पड़ मारा। बैकग्राउंड? अब आप जोक मत करो चाचू। तुझे अभी भी जोक लग रहा मेरी बातें? मेरे बारे तू भी नहीं जानता कृष्णा। अगर मैं चाहूँ तो सीबीआई वालों को बोल कर स्पॉट में अरेस्ट करवा दूंगा, स्पॉट में। ये क्या सीबीआई अरेस्ट, ये सब क्या बोलते जा रहे हो यार? नो सीबीआई, नो आरबीआई, कुछ भी नहीं बोला मैंने। एसबीआई बोला।
अरे मेरी बात छोड़ो, तू भगवान के नाम कृष्णा रखकर इन लफंगों के साथ क्या कर रहा है? मेरा क्या है चाचू, मैं तो कल निकल जाऊंगा। क्या हुआ? सुनो, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, वो उनको बताकर 10-15 मार के निकल जाऊंगा। वो आइडिया क्या है? सुनो, इतना बड़ा प्लान बता के तुझे सिर्फ 10-15 हजार ही चाहिए क्या? हजार नहीं चाचू, 10-15 लाख। लाख? देख, हाँ? प्लान एक्सलेंट है। हाँ? अगर तुम इस वक्त वहाँ गए, हाँ? तो पता नहीं वो पीपा के किस हाल में होंगे। तुम एक काम करो, आज रात यहीं सो जाओ, सुबह होते ही वहाँ चले जाना। मुझे तो नींद नहीं आ रही। मैं लोरी सुना के तुम्हें सुनाऊंगा, चलो। मैं गाऊं तुम सो जाना, मैं गाऊं तुम सो जाना। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। प्रॉब्लम मेरे कारण शुरू हुई है, मैं ही सॉल्व करूंगा। उस आर्या को मौत के घाट उतार दूंगा। उसे मरना ही होगा, लेकिन इल्जाम हम पर नहीं आना चाहिए। तुम पर इल्जाम आए बिना उसे मारने का एक अच्छा तरीका बताता हूँ, लेकिन उसके लिए खर्चा ज्यादा आएगा। कितना चाहिए? 15 लाख कैश या अरे काम वाली बताशा और दुबई की 2 फ्लाइट टिकटें। पहले तेरा प्लान क्या हुआ बता। प्लान बताने के बाद कहीं तूने लोचा किया तो? अगर नहीं बता तो अभी खत्म कर दूंगा। खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, मत बोल यार, बताता हूँ। आई विल टेल यू मैन। प्लान बता। आपको शक है कि सारे मर्डर्स आर्या ही कर रहा है? यहीं पे हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। यदि हम में से ही कोई जगुआर का ड्रेस पहन के आर्या को उड़ा दे तो आपका दुश्मन भी मारा जाएगा, कॉलेज भी खुल जाएगा। एज इट इज लाइव टेलीकास्ट करे तो हमारे चैनल का TRP ऐसे 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 बढ़ेगा, ओ मर्डर जगुआर के अकाउंट में ही चला जाएगा। मेरा प्लान कैसे लगा? सुपर। क्या प्लान बताया? अंकल डैडी दे दीजिए, जितना मांगते दे दीजिए, प्लान लाजवाब है। और इसको देखो, चुमिया लेने लग गया। आदमी औरत का कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। सब तो ठीक है, लेकिन वो मर्डर कौन करेगा? और कोई क्यों, मैं ही। उस आर्या को मैं ही मार डालूंगा। सर एक्चुअली ये आइडिया। कैसा आइडिया? किस आइडिया की बात कर रहे हो? तुम्हारा आइडिया मैंने मार लिया है क्या? इट्स माय ओन क्रिएशन सर। कूल डाउन चाचू, ये आइडिया आपका, कॉपीराइट्स भी आप। बट इट्स अ वेरी बैड आइडिया सर। ए, तेरी ओपिनियन किसी ने नहीं मांगी, आउट। आर्या को मरना है मर जाएगा, ओके, लेकिन वो जैगवार उससे भी ज्यादा खतरनाक है। उसी का इस्तेमाल करे तो क्या वक्त है? तू वो मुझे ही मार डालेगा, इस अजय को मार डालेगा? हाँ, मुझे मारने की हिम्मत है उसमें? ए, वहां क्या देख रहा है? इधर देख तू अजय। ये बात नहीं है डैड, ये क्या बकरा सुना आपने? अरे चुप कर, वो कुछ भी बकेगा, उसकी बातों में ध्यान मत दो। ए, जाओ 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 यहाँ से। हे भगवान, अब आप ही सबको बचाना। सर अगर काम करने वाला काम जानता है तो ये प्लान फेल नहीं होगा। बबुआ 100% करेक्ट है सर। या कब, कहाँ, कैसे? बाद में बताऊंगा, आप तो जा। ओके सर। तेरे अकाउंट में डाल दूंगा, जा। आधार कार्ड नहीं है। ओके अंकल। कब? आज रात को प्राइम टाइम में। हाँ बोलो पदम। आज अजय जगुआर के गेटअप में आर्या को मारने जा रहा है। कब और कहाँ? कब कहाँ कैसे ये सब मुझे नहीं मालूम, जो खबर मुझे मिली है वो मैं आपको बता रहा हूँ साहब। क्या बात है चाचू, आप इस वक्त यहाँ? यहाँ यहाँ क्या कर रहे तू? कल टीवी में उंगली कर रहे थे, परसों वॉल क्लॉक में कुछ फिक्स कर रहे थे, अब यहाँ भी कुछ फिक्स कर रहे हो? हटो मुझे देखने तो, क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ कर रहे हो? नहीं, 1 सेकंड, आप चलो मैं आपको बताता हूँ। चलो ना चाचू, वहाँ कुछ नहीं है, आओ। ये सब क्या है? सारे घर में कैमरा फिक्स करके पूरे घर को लैपटॉप में ले आए हो? अब समझ में आया पैसा मारने का पूरा प्रोग्राम है ना? और मैं क्या करूं चाचू, मुझे भी तो सेटल होना है ना, मेरे पीछे कौन सी बड़ी जमीन जायदाद है? मेरे पीछे कौन सी जमीन जायदाद है, मेरा हिस्सा बताओ। आपको क्यों शेयर दूंगा चाचू? ताकि मैं ये राज किसी को ना बताऊं। ठीक है,
दूंगा, लेकिन एक काम करना होगा। क्या है? देखो इस लैपटॉप के ब्लॉक्स को देखते हैं, अगर कोई आए तो मुझे इशारा कर देना, तब तक मैं पूरा कैश उड़ा के आ जाऊंगा। ओके बाप रे, पूरा पैसा लेके वहीं से वहीं भाग गया तो? चाचू वो भी तो तुम्हें दिख जाएगा ना, वो लाइव चल रहा है। ये भी सही बात है। गो गो अहेड। ओके सुनो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब जाओ यहाँ से, फटाफट पैसे लेके आओ। हे, कहाँ लेके आए मुझे? कौन हो तुम लोग? मेरा हाथ खोलो। हे, अरे छोड़ छोड़ मुझे। हे, कौन है तू? अजय, तू? क्यों बे, शौक लगा तुझे? तू मुझे यहाँ क्यों लेके आया है? प्लीज मुझे छोड़ दे। ओ, अगर छोड़ दिया तो उस पुलिस और जज को जैसे मारा हमें भी मार देगा तू? मैं किसी को क्यों मारूंगा? मेरा उन दोनों के खून से कोई संबंध नहीं। ओहो, हे, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे छोड़ दे। वैसे संबंध नहीं है कहने पर हाथ जोड़कर शेक हैंड करके बाहर जाने को कहने के लिए मुझे CBI ऑफिसर समझ रखा है क्या? आज तुझे मैं किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। पेशेंट का कंडीशन बहुत सीरियस है, तुरंत डॉक्टर आर्या का ऑपरेशन करना होगा। hey, समझ गया क्या? यस ब्रो। टाइमर लगाओ। ओके ब्रो। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, एंजॉय योर लास्ट मोमेंट। ऑल द बेस्ट। कौन है बे तू? तेरी मौत हूं मैं। ओ, उन सबको मारकर हमारी फोटोएं भेजकर हमें डराने वाला तू ही है क्या? अब मुझे मारने आया है तेरी इतनी हिम्मत? तेरी तो मैं समझ गए? चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे जिंदा चाहिए। Yeah!
दूसरा रास्ता है? और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सर। बॉयज टेक पोजीशन। शोरूम किस चीज का है? कार का शोरूम है सर। पदम फोन उठाओ। हेलो। वो वहाँ पर है सर। सर 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 किसकी बात कर रहे हैं? अरे वही कृष्णा वहाँ है। यहीं पर है सर। सब सफेद वस्त्र पहनकर मौन धारण किए हैं। आर्या की मौत का आप लोग शोक प्रकट कर रहे हैं यहाँ। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अजय बाबू कहाँ गया? बाबुआ अजय बाबुआ आई वांट टू सी यू अजय। अजय देखो चाचू क्या देखो वहाँ।
अजय बाबू, अजय बाबू, आपके 100 साल इतने जल्दी भर गए क्या? आप कितने महान थे, किसी लड़की को भी नहीं छोड़ते थे आप, हमको घुट घुट को मरने के लिए अकेले छोड़ के चले गए। इतने लंबे चौड़े थे तुम, भगवान ने तुम्हें थोड़ा सा भी दिमाग नहीं दिया। साहब साहब, आई एम वेरी सॉरी। तूने जो प्लान बताया वो इतना बेकार था कि उसकी वजह से मेरा बेटा मारा गया। नहीं नहीं सर। और अब तू नाटक कर रहा है मेरे सामने। सर सर, वो आइडिया मेरा नहीं, इसका आइडिया था इसका। अरे अरे, ये तो सरासर नाइंसाफी है सर। अगर छोड़ दिया तो कल ये कहेगा कि मैं आपके घर में चोरी करने आया था। इसने वो प्लान भी बनाया था सर। इसे उठाकर बाहर फेंक दो। रुको रुको, हटो, चलो हटो, सब लोग हटो। आओ चाचू, आओ जल्दी आओ चाचू। तुम जाओ यहाँ से, मैं संभाल लूंगा। जाओ, सब ठीक होने के बाद मैं बुला लूंगा। हे, मेरा खाना खा के, मेरी दारू पी के, मुझ पे राशन पानी लेके चढ़ रहा तू? ऑल द बेस्ट चाचू, ऑल द बेस्ट। सी योर एंड। तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं जागवार हूँ। ये क्या सर, मास्क मिल गया लेकिन वो नहीं मिला, यही सोच रहे ना आप? मास्क मिला नहीं, उसे ने फेंक दिया। मतलब लगता है अब उसे इस मास्क की जरूरत नहीं है। महफिल में आया है मेरा सैया, प्यासी थी मैं तेरे बिना, कुछ भी कर ले तू, मैं हमेशा रहती हूँ तैयार, मना करोगे तो भी ना, मैं मानूंगी सैया। इश्क ये ऐसा होगा अब तक पता ना था, ऐसा होगा अब तक पता ना था, शर्मीलापन ये पूरा खल्लास होना था। ये मेरी मस्त जवानी, मैं तेरे प्यार की कहानी, दे दूँ क्या मैं पूरा डिस्काउंट तुमको, मैं मस्ती की शरबत हूँ, सबसे मैं खूबसूरत हूँ, मुझ में मजा है देखो बन के टू टू टू। मस्त प्यारी देखू क्या ऐसा राज छुपा तेरी जवानी में, हट हट बिरयानी जैसी खुशबू भर के आई है तन में, ये टॉप क्लास का लड़का मस्ती के खेल में फटका, जानू मैं या ना जानू ये फॉर्मेट प्यारी देखूं क्या ऐसा राज छुपा तेरी जवानी में, हट हट बिरयानी जैसी खुशबू भर के आई है तन में। हाँ, इश्क ये ऐसा होगा अब तक पता ना था, शर्मिला पनिए पूरा खल्लास होना था, तक पता ना था। देखूं क्या ऐसा राज
छुपा तेरी जवानी में। ओ हाट हाट बिरयानी जैसी खुशबू भर के आई है तन में। इश्क ये ऐसा होगा अब तक पता ना, शर्मीलापन ये पूरा खल्लास होना। इश्क ये ऐसा होगा अब तक पता ना। फेसबुक ट्विटर जैसी सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आपकी चर्चा चल रही है सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक और अपोजिशन पार्टियां भी आपको सपोर्ट कर रही हैं। ये सब कुछ मैं कोई लीडर बनने के लिए नहीं कर रहा हूँ। सरकार और विदेश से जो पैसा और सब्सिडी आ रहा है उसका दुरुपयोग ना हो इसके लिए हम कर रहे हैं। आम आदमी को जो बेसिक चिकित्सा मिलनी चाहिए उसी को ये लोग कमर्शियली बेच रहे हैं। उस सिस्टम को बंद करना होगा। जो लोग हमारे धरने का समर्थन कर रहे हैं उनको धन्यवाद। मिस्टर प्रसाद, क्या हो रहा है वहाँ पे? सिर्फ एक स्टूडेंट तुम्हारे कॉलेज को तुम्हारे अस्पताल को बदनाम कर रहा है वहाँ पे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे चैनल को छोड़ के बाकी सारे चैनल उसी के सपोर्ट कर रहे हैं, पता है तुम्हें? पब्लिक और अपोजिशन पार्टी वाले उसी का गुणगान कर रहे हैं आज। प्लीज सर, मेरी बात तो सुनिए। सुनो, पहले उसकी जुबान बंद करवाओ, अन्यथा मैं स्वयं तुम्हारे कॉलेज और अस्पताल को बंद करवा दूंगा। सर, मुझे सिर्फ 3 दिन का समय दीजिए, सिर्फ 3 दिन का, मैं सब संभालूंगा। ओके, ठीक है। थैंक यू सर। सुनो, बहुत हो गया। अब तक हम लोगों ने सब्र से काम लिया, उसकी वजह से मेरा बेटा मारा गया, हॉस्पिटल में सीज हो गया, सब कुछ हमारे हाथ से निकल रहा है। नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा उसे। उस आर्या की लाश भी नहीं मिलनी चाहिए। खत्म कर डालो उसको। मुझे बस एक मौका दे दीजिए। मैं कॉलेज खुलवा सकता हूँ। पागल है क्या तू? हमसे नहीं हो सका तो तू क्या कर लेगा? सर, दुनिया में सारे लोग सेल्फिश हैं। मैं मानता हूँ, वो नहीं मानता, यही फर्क है। सर, हमें एक सीढ़ी चढ़ने के लिए 10 आदमियों को मोहरा बनाकर 100 आदमियों को रौंदने के लिए तैयार रहना चाहिए। सर, जरूरत तो हमारी है ना, तो हाथ जोड़ लेते हैं। क्या चाहिए तुझे? आप बिना सोचे 2 करोड़ रुपए दे दीजिए, आर्या को मैं मनाता हूँ। तुम ऑफिस में आके ले लो। थैंक यू सर। ये क्या, आप उस पर भरोसा कर रहे हो? इस लड़के में मैं अपने आप को देख रहा हूँ। सुन यार, तेरी प्रॉब्लम तो अजय के साथ थी ना, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो अब झगड़ा किस बात का? छोड़ देना, सब लोग मिलके खुशी से रहेंगे। लोगों की मुफ्त में सेवा करना चाहता है ना, तो ये ले, इसमें 2 करोड़ रुपए हैं। तो खुद का अस्पताल खोल सकता है, फ्री ट्रीटमेंट कर सकता है। अगर ये काफी नहीं है तो 2 करोड़ और दे सकता हूँ। तुमने कितने रुपए लिए इस घिनौने काम को करने के लिए? मैंने कितना लिया है वो बात छोड़ यार, तू ये देख कि तेरी पॉपुलैरिटी कितनी है, उसका सही इस्तेमाल कर। देखो, मैंने जिंदगी में आज तक किसी को नहीं मारा है, मुझे गुस्सा मत दिला, इसी वक्त चला जा यहां से। वैसे तेरे लिए एक और बम्पर ऑफर है, तेरी बहन से मैं प्यार करता हूं, ये तुझे पसंद नहीं है ये मैं जानता हूं। अगर तू हां बोलेगा तो इन 2 करोड़ के साथ साथ तेरी बहन से प्यार करना भी छोड़ दूंगा। मैंने सोचा था कम से कम तुम मेरी बहन से सच्चा प्यार करता है, दिखा देना अपनी गंदी औकात। छोड़ दे। हे, कुछ नहीं प्रिया, मैं और तुम्हारा भाई बस कैजुअली बात कर रहे थे। तुम एक सीढ़ी चढ़ने के लिए 10 आदमियों को मोहरा बनाकर 100 आदमियों को रोंदने के लिए तैयार रहते हो ना? जिन 100 आदमियों को तुम रोंदोगे उसमें मुझे क्यों नहीं शामिल किया? लेकिन अब मैं पूरी तरह समझ गई हूँ, जरूरत पड़ने पर तुम मुझे भी बेच डालोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, लव अफेक्शन जैसी तो कोई चीज ही नहीं। उसका एक ही रीजन है, क्योंकि तुम अनाथ हो। ये लीजिए सर, करेक्ट सर, आपने सही कहा था, उसे मरवा दीजिए सर। कैसा आदमी है सर वो, और देर मत कीजिए सर, अगर छोड़ दिया तो लीडर बनके जनता के लिए सब कुछ मुफ्त में मांगेगा। देखा आपने, इसका आइडिया भी फेल हो गया, तब से समझा रहा हूँ उसको, खत्म कर दो, उसको मार डालो, अब आपको किसका इंतजार है? वो उससे भी बहुत आगे निकल चुका है। मतलब हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते? भूल गए क्या, अगर हम किसी को मार नहीं सकते तो उसके कैरेक्टर को मारना चाहिए। कैरेक्टर खराब होने के बाद वो जिंदा रहे या मर जाए क्या फर्क पड़ता है? क्या कहा, उसके कैरेक्टर को मारेंगे? अब
चांस ही नहीं है सर। उसके पीछे 3000 स्टूडेंट्स की ताकत है। आप कुछ भी कहेंगे तो वो सुनने वाला नहीं है सर। तुम सिर्फ 3000 स्टूडेंट्स की बात करते हो, मैंने तो 30 लाख लोग जो एक जिला में रहते थे, जहां पर एक आदमी ऐसा रहता था जिसे लोग भगवान की तरह पूछते थे, उसे रौंद कर बनाया मैंने ये SS ग्रुप, करीमनगर जिला के देवता रामचंद्र। सर आपके हॉस्पिटल के पीछे जो 50 एकड़ की जमीन है उसमें छोटा सा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ सर। असल बात यह है कि वो जगह ना किसी काम के लायक नहीं है। अगर प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद कोई अगर पूछेगा और कोर्ट कचहरी का अगर कोई चक्कर चलाएगा तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ खड़े होकर उस जगह की नींव डालें। उससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। इस काम को आप बिल्कुल फ्री में मत कीजिएगा सर। उसके लिए 50 लाख। कोई बात नहीं सर, मैं उसको यहीं रख देता हूँ। मेरे दादाजी विश्व विश्वेश्वर जी गांधी जी के साथ दंडी मार्च में गए थे, और मेरे पिताजी विश्व भोलेनाथ जी मुझे डॉक्टर बनाने के लिए अपनी सारी पूंजी दांव पर लगा दी। गरीबों का मुफ्त इलाज कराने के लिए इस अस्पताल को बनाया उन्होंने। उनको सोच के और फिर उनको याद करके मेरा ये सीना मेरे जाने बिना ही गर्व से फूल जाता है, समझे तुम। मेरे पूर्वजों के बारे में भी अगर मैं गर्व से कुछ कहना चाहूँ तो मेरी जिंदगी भी उनकी तरह बेदाग होनी चाहिए। इतने सालों से मेरी जिंदगी में कोई दाग नहीं लगा है। तुम्हारी सहायता करके मैं अपने परिवार को कलंकित नहीं करूंगा। सर जरा आपको क्या बात करनी है पता नहीं, चले जाइए बस यहीं पर। अच्छा अच्छा, सीधे चलकर आपने बुलाया हमें। क्या तुम अपनी लड़की को काम पे भेज रहे हो? आपको तो सब पता है साहब, बहुत गरीब है हम लोग। शंभू भैया, एक लड़के को पढ़ाया तो वो अपने बारे में ही सोचता है, अगर बेटी को पढ़ाया तो सबका कल्याण करेगी वो। तुम क्या बनना चाहती हो बेटी? मुझे भी आपकी तरह डॉक्टर बनना है साहब। सुन लिया तुमने, इसे एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनाकर मैं तुम्हें सौंपूंगा। बिन माँ की बच्ची है साहब। शंभू भैया, लक्ष्मी के लिए आज से माँ बाप सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे घर में ही रहेगी। साहब पैचो पैचो। नहीं बेटी, नहीं नहीं नहीं, अरे ये क्या सर? मैं आजकल विदेश में रहता हूँ, लेकिन आपके ही जिले का रहने वाला हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन मेरे गांव वाले ही मेरे सब कुछ हैं, ऐसा सोचना है मेरा। उसके लिए मुझे लगा कि आप सही व्यक्ति हैं, क्योंकि आपने पूरे जिले को संभाल के रखा हुआ है। मैं भी इस जिले के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसीलिए पैसा मैं आपको भेज रहा हूँ। अगर ये मैं सरकार को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को भेजूंगा तो ये आम जनता तक नहीं पहुँचेगा, इसीलिए मैं आपको सौंप रहा हूँ कि ये जनता तक पहुँचे। भैया करीब करीब 3 करोड़ हो सकते हैं, और वो भी सब डॉलर है। इतने सारे पैसों को संभालना बहुत ही मुश्किल है। तुम एक काम करो, कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर को बुलाकर लेके आओ, ये सारा पैसा सरकार को दे देंगे। ये कैसी बात कर रहे हैं आप, ये पैसे सरकार को नहीं सौंपना है, ये तो साफ साफ लिखा हुआ है। ये बात नहीं है प्रसाद, हमारे पास बहुत है और उसी से कर रहे हैं ना। साहब आप जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अपने जिले के लिए कर रहे हैं। अगर ये पैसा मिल जाए तो पूरे देश के लिए कर सकते हैं। कितने बच्चों को हम लोग डॉक्टर बना सकते हैं, एक बहुत बड़ा आधुनिक हॉस्पिटल बना सकते हैं। फिर भी इतने पैसों को हम हैंडल कैसे कर सकते हैं बोलो? एक ट्रस्ट बनाते हैं, और आपके भरोसेमंद लोगों को ट्रस्टी बनाते हैं, फिर इन पैसों को प्रजा की भलाई के लिए खर्च करेंगे सर। रामचंद्र जी की जय। रामचंद्र जी की जय। रामचंद्र जी की जय। तेरा लीवर टेस्ट एकदम नॉर्मल है, पर शाम को बुखार आ जाता है। मेरे ख्याल से तुझे मलेरिया हो गया है। अब क्या होगा डॉक्टर? कोई बात नहीं, दवाई देता हूँ। बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन ले लो। पद्मा पद्मा हुँ? लक्ष्मी को इंजेक्शन दे दो। मैं तुम्हारी नर्स हूँ क्या? होमवर्क छोड़ के अपने पिता की तरह बड़ा डॉक्टर बन के बैठा हुआ है, उन्हें आने दे बताती हूँ। हे भगवान, अब इंजेक्शन कौन देगा? अच्छा मैं ही देता हूँ। तुझे मैंने कितनी बार। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मुझे नहीं है डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को है। पढ़ता तो वो 5वीं क्लास में है, लेकिन वो अपनी किताब को कभी पढ़ता नहीं है। मेरी सारी मेडिकल बुक्स को पलटते हुए किसी बड़े डॉक्टर की तरह मेरे स्टेथोस्कोप से ट्रीटमेंट कर रहा। अब उसके साथ क्या किया जाए? उसका कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ? हो सके तो चॉकलेट्स, आइसक्रीम, बिस्किट्स, सब कुछ दे दो उसे। रुक रुक रुक, अरे काम लग रहा। अपने बेटे को डॉक्टर के रूप में देख के बहुत खुश हो रहे क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 100 करोड़ अगर हासिल करने हैं तो न जाने कितनों की बलि चढ़ानी पड़ेगी, कितने पुलिस वालों और डॉक्टरों को खिलाना पड़ेगा, और कितनी नकली दवाइयां बनानी पड़ेंगी। इंसान के लिए दो चीजें जरूरी है, शिक्षा और इलाज।
इन्हीं दोनों से मैक्सिमम कमाई होती है और वो उन्हें फ्री में बांटना चाहता है। hey, वो ट्रस्ट का पैसा हासिल करना है तो पहले उसे मारना होगा। क्या कहा? मार दोगे? उसे गली में घूमने वाला मामूली आदमी समझाया क्या? उसको हाथ लगाया तो पूरा जिला हमारे खिलाफ हो जाएगा। एक 6 फीट का आदमी 60 फीट के दिव्य भगवान के जैसा क्यों लगता है पता है? अपने कैरेक्टर की वजह से। अगर उसके कैरेक्टर को ही मार दिया जाए तो? उसके कैरेक्टर का खात्मा करना होगा। मतलब? जब हम किसी व्यक्ति को नहीं मार सकते तो उसके कैरेक्टर को मार देना चाहिए। कैरेक्टर खराब हो जाने के बाद वो जिए या मरे क्या फर्क पड़ता है? इधर आओ बेटी। अरे वहां क्यों खड़ी हो? आओ ना। अरे अरे इसकी क्या जरूरत है? मेरे पांव में क्यों गिरती है पागल? उधर देखो, भगवान की प्रार्थना करो। डॉक्टर 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 जल्दी आइए, देखिए क्या हो गया। लक्ष्मी डॉक्टर। अरे मेरी लक्ष्मी को क्या हुआ? उसपे पड़ी थी। हा? मैं इसे वहां से उठा कर ले आया। वहां लेके आओ, चेक करता हूं। जल्दी लक्ष्मी, लक्ष्मी डॉक्टर पल सोन हो रही। क्या हुआ? वॉच वॉच है तुम्हारे पास? 30 सेकंड में ठीक हो जाएगी। नो प्रॉब्लम, शी विल बी ऑल राइट। अरे लक्ष्मी 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 क्या हुआ? डॉक्टर ये आपने क्या कर दिया? डॉक्टर लक्ष्मी मर गई। मैंने मार दिया अपनी लक्ष्मी को। लक्ष्मी आओ आओ और देखो क्या हुआ। अंदर क्या अन्याय हो रहा है जाकर देखो। कल रात से तेरी बेटी को उठाकर ले गया और डॉक्टर रामचंद्र पता नहीं अंदर उसके साथ क्या कर रहा है, जाकर देखो। नहीं, नहीं, नहीं। रामचंद्र जी वो तो भगवान है। अरे अरे इसने तो उसे भगवान बना दिया, लेकिन अंदर जाकर देखो तो सही। चलो हटो 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 साइड हो जाइए। मुझे क्यों मार रहे हो? मैं कोई गड़बड़ करने नहीं आया हूँ यहाँ पर। लेके आया बोलता मैं गड़बड़ नहीं कर रहा। ए, सांस नहीं। अरे साहब कौन सा पड़ेगा? मेरी बेटी अंदर है तो मर गई डॉक्टर। सर बाहर की सिचुएशन बहुत खराब है। वो श्याम सुंदर पूरे गांव वालों को ले आया और बाहर हंगामा कर रहा है। यहाँ पे हुआ क्या सर? लक्ष्मी को कुछ हो गया और मर गई वो। मुझे शंभू से बोलना है। सबसे पहले आप जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाई, जल्दी जाइए। क्यों? अगर हम संभाल लेंगे। आप जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन से एक बार बात जाइए सर। लेकिन उधर मत जाइएगा, बहुत हंगामा हो रहा है। आप इस तरफ से जाइए, जल्दी ले जाइए, जल्दी ले जाइए। तेरी बेटी मर गई श्याम सुंदर। क्या कहा बेटी? चलो बेटी लक्ष्मी क्या हुआ तुझे? बेटी लक्ष्मी मेरी बेटी, मेरी बेटी चलो बाहर। अरे मुझे मेरी बेटी को देख रहे थे। अरे क्या कर रहे हो? ओके सर वो सब मैं संभाल लूंगा, जरा हमारा ख्याल रखना। सर वो आ गए। सर मैं कंप्लेन लिखवाना चाहता हूँ कि वहाँ जाके बैठिए। वहाँ जाके ओके सर काम हो जाएगा। नमस्ते सर। बैठना बे। इससे पहले कि रामचंद्र को कुछ पता चले हमने सारे सबूत उसके खिलाफ कर दिए और उसे कोर्ट में दोषी बनाकर पेश किया। सुनिए सुनिए कहाँ जा रहे हो? अंदर नहीं जा सकते पापा। अरे चलो बाहर हॉस्पिटल के बाहर। मैं कहता हूँ बाहर चलो, अंदर आना मना है। मेरे साथ कुछ हो गया इसलिए मैं कंप्लेंट लिखवाने के लिए आया था। लेकिन कंप्लेंट कैसा कंप्लेंट? ए अरेस्ट करो इन्हें, अरेस्ट करो जल्दी। जो कुछ बोलना है कोर्ट में बोलना। क्या बोलिए? आप अरेस्ट कर रहे हैं आप लोग? क्या बोलिए? अरेस्ट किया जाए। चलिए चलिए मैडम। माय लॉर्ड मेडिकल रिपोर्ट क्लियरली सेज दैट द गर्ल हैज बीन सेक्सुअली हैरेस्ट। उसके साथ दुर्व्यवहार करके उसे जहरीला इंजेक्शन भी दिया गया जिससे उसकी मौत हुई है। इन्होंने ये घिनौना काम करके इसे एक मेडिकल डेथ साबित करने की कोशिश की है। no. ये काम इन्हीं का है। नो नो योर ऑनर, नो नो। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। रामचंद्र जी वैसे आदमी नहीं है, जनता का इलाज करने के सिवा इनको कुछ और नहीं मालूम योर ऑनर। कोर्ट डज नॉट नीड एनी कंडक्ट सर्टिफिकेट, इट नीड्स ओनली एविडेंस। कोर्ट इज अडजॉर्न फॉर लंच।
वकील साहब, सर आपने कितने लोगों की मदद की है और आज आपकी ऐसी हालत हो गई है। आपको बाहर आना होगा सर, मैं आपको बाहर निकालूंगा। सर सर आप इस पर साइन कर दीजिए। सर साइन कीजिए सर। सर ये क्या लिखा है? इससे आपकी सजा कम हो जाएगी सर। सर अगर आप एक बार अंदर चले गए तो बाहर आना मुश्किल है। हाँ सर साइन कर दीजिए सर। कैसे साइन करूं मैं? किसने किया, क्यों किया, ये सब हम पता लगाएंगे सर, सब पता लगाएंगे। सर, बिल्कुल सर। सर हम लोग सबको संभाल लेंगे, बस साइन कर दीजिए प्लीज। आप साइन कर दीजिए सर। मुलजिम रामचंद्र ने जो किया है वो क्षमा के लायक नहीं है, क्योंकि रामचंद्र को चाइल्ड पेडोफिलिक टेंडेंसी है, जिसके कारण छोटे बच्चों को देखते ही उनके मन में काम वासना पैदा होती है। ऐसा मानसिक रोग है उनमें, ये रामचंद्र जी ने स्वीकार किया है, जिसकी गवर्नमेंट डॉक्टर ने भी पुष्टि की है। एज पर लॉ जिसको बीमारी होती है उसको हम सजा नहीं दे सकते, इसलिए उन्हें हम सजा न देकर रिहा कर रहे हैं और सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि उनका सरकारी डॉक्टर से इलाज करवाए। मेरी बेटी को तेरे हाथ में सौंपा था, मार दिया उसको तूने। उस कोर्ट ने तुझे फांसी की सजा नहीं दी। अगर तू जिंदा रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा जिंदा, मर जाऊंगा तेरी आंखों के सामने ही, मर जाऊंगा, अभी मर जाता हूँ, अपने तेल छिड़क के मर जाऊंगा, अपने पे आग लगा लूंगा, मर जाऊंगा मैं, यही भी मर जाऊंगा। उसका कैरेक्टर हमने खराब कर दिया, उसके बाद उसने अपनी जान दे दी और ट्रस्ट हमारे नाम पर हो गया। फिर उसकी बीवी और बेटे को भी हमने वहाँ से भगा दिया। पता नहीं उन लोगों का क्या हुआ। अगर उसकी बीवी मिलेगी तो एक सवाल जरूर पूछूंगा, इतने ईमानदार आदमी की पत्नी बनकर आखिर तुम्हें क्या मिला और अपने बेटे की परवरिश तुमने कैसे की? तो फिर पूछिए, पूछिए अब इनसे। तुम्हारे पति ने जो कुकर्म किया है उससे हमारे गांव की इज्जत खराब हो गई है, इसके बावजूद तुम यहाँ रहना चाहती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ए, निकालो इनको बाहर, चलो बाहर जाओ। मम्मी अब क्या होगा? मम्मी मुझे डर लग रहा है। मम्मी गांव से निकालना होगा, जाओ जाओ। तेरे पिता का कोई नाम नहीं बचा बेटा। पापा, हर बाप अपने बेटे को जमीन जायदाद दे या ना दे, बस एक चीज जरूर देता है उसे, मैं उनका बेटा हूं ये कहने का हक। पापा, जो मैं तुम्हें नहीं दे पा रहा हूं, आज के बाद तुम विश्व रामचंद्र के बेटे हो, किसी से भी मत बोलना, ऐसा वादा करो। पापा, 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 पिताजी को जो वचन दिया था उस वचन को निभाने के लिए मेरी मां के होते हुए भी मैं अनाथ हूं ऐसा हमेशा कहता रहा। मेरे पिताजी के व्यक्तित्व को लाखों लोगों के सामने दफना दिया गया, लेकिन आज करोड़ों लोगों के सामने उनके व्यक्तित्व को मैं जिंदा वापस लाया हूं। बंद करो इस लाइव टेलीकास्ट को। सर टीआरपी इज ऑन पीक, लेट इट गो ऑन एयर। मैं जो कह रहा हूं वो करो।
इस वक्त मैं तुम्हें बोलता हूँ, अपनी पूरी जायदाद जनता के इलाज के लिए त्याग करके पूरे जिले में भगवान का रूप धारण करने वाले उस विश्व रामचंद्र का बेटा हूं मैं। मां, पिताजी का नाम मैंने रोशन कर दिया है। पिताजी का नाम हम कहीं भी सर उठा के ले सकते हैं। कोई भी मुझे अनाथ नहीं कहेगा माँ, कोई भी हमें पत्थर से नहीं मारेगा। क्या समझा तूने? हमारे कैरेक्टर को तू लाइव दिखाएगा तो हम तेरे पिताजी की तरह अपनी जान दे देंगे? इतने पागल है क्या? पब्लिक बहुत जल्दी भूल जाती है। मैं ही अच्छा हूँ। अगर इसे 10 बार टेलीकास्ट करेंगे तो पब्लिक उसे ही सच मान लेती है। आज तक यही होने आ रहा है। क्यों रे, इसका उसका मर्डर लाइव दिखाकर तू हम ही से गेम खेल रहा है? लेकिन आज तुम दोनों की मौत हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे। ए, दरवाजा बंद करो। अच्छी तरह बंद करने को बोलो। मुझे इसीलिए यहाँ बुलाया गया है। तुम दोनों की मौत मैं लाइव देखना चाहती हूँ। इतनी हिम्मत है तुझमें? यही है मेरी हिम्मत। तुम्हारे पापों को तुम्हारे मुंह से उगलवाने के लिए मैंने ही इसे अभी तक रोक रखा था, समझे? नहीं तो कभी का तुम्हें मार डाला होता। माँ, खून, दर्द, दर्द बिल्कुल नहीं है कृष्णा, बल्कि खुशी हो रही है। मरे हुए इंसान को कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, लेकिन मरे हुए तुम्हारे पिता के व्यक्तित्व को तुमने जिंदा किया है। मुझे गर्व महसूस हो रहा है। अब नहीं रोकूंगी, अब तुम्हें नहीं रोकूंगी कृष्णा। जिनके कारण तुम्हारे पिता का सर झुक गया था, ऐसे दरिंदों के सर उड़ा दो। मैं इधर ही बैठ के तमाशा देखूंगी।
रुक जाओ सब। आर्या, तुम दोनों को बहुत दुख पहुंचाया मैंने। मुझे माफ कर देना, लेकिन जो कुछ भी मैंने किया और कर रहा हूं, अगर वो गलत ना लगे तो तुम मेरी एक मदद करो। बोलो कृष्णा। ये जो पुलिस वाले आ रहे हैं, इन्हें बस 5 मिनट रोक दो, इसे मैं यहीं दफना दूंगा। स्टूडेंट्स, ब्लॉक द वे। इसको बचा ले हम लोग। नहीं कृष्णा, कृष्णा नहीं, कृष्णा